नमस्कार। आज मैं कुशल एडुकेयर सर्विसेज के या मैं क्लासरूम से आपसे बात कर रहा हूँ। ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और जानना चाहा है कि हमारे कुशल एडुकेयर सर्विसेज में किस किस क्लास की ट्यूशंस ऑफर की जा रही हैं, क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म है, क्या डिटेल्स हैं, क्या फीचर्स हैं कोर्सेज के बारे में, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका क्या है, सिलेबस कब तक ख़त्म होगा और बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। ये कुछ है कि एक तो अभी हमारी वेबसाइट जो है लाइव नहीं है, वेबसाइट पे काम हो रहा है और कई सारे डिटेल्स जो है वो हम लोग वेबसाइट पे डालने वाले हैं। इन द मीन टाइम इधर क्या हो रहा है कि एकेडमिक सेशन 2019-2020 जो है वो आ रहा है, नए सेशन के लिए दाखिले के लोगों को लेने हैं और उसके बारे में इंक्वायरीज आ रही है। और इधर क्या है कि हमारी वेबसाइट पर भी काम चल रहा है और कई ये टीचर्स का भी मुझे फोन आ रहा है, वो पढ़ाना चाहते हैं और वैकेंसीज के बारे में भी इंक्वायर कर रहे हैं मुझे। अब इधर क्या है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जैसे आप वीडियो को देखेंगे तो जब वीडियो चल रहा है तो उसमें फोन नंबर आ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स मुझे उस फोन नंबर पर कॉल कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं किसी स्टूडेंट को पढ़ाने गया हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ या आ रहा हूँ तब उस नंबर पर मुझे फोन आता है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो अपकमिंग एकेडमिक सेशन है 2019-2020 उसके बारे में जो हमारे कोर्सेज है उसके डिटेल्स, फीचर्स, फीस स्ट्रक्चर, प्राइसिंग मैकेनिज्म, क्लासेस कब होंगे, कैसे होंगे, सिलेबस कवरेज, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वो जो फोन नंबर आ रहा है उस पर फोन करने के पहले आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। जो आप लोगों के डाउट्स हैं, इंक्वायरीज हैं और जो आप लोगों ने मुझे फोन किया है या मेल पे जो मेल्स आए हैं उसी को देखते हुए ही मैं ये आज यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली हमारे कोर्सेज और कोर्सेज के डिटेल्स, फीचर्स और प्राइसिंग के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि वैसे मैं आपको बोलूं कोई चीज मतलब जो डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा तो वो एक बात होती है और अगर मैं आपको कहीं पे लिखे तौर पे दिखाता हूं तो उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है कि कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, तो ये आपको जैसे जैसे स्लाइड्स में दिखाऊंगा स्लाइड्स के जरिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं और जो है नरेशन में मेरी आवाज भी आएगी तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ डिटेल्स रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह होती है पहले तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप वो फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है जो मैंने पहले से इस वीडियो में कही हुई है वही अगर आप मुझे फोन करके पूछेंगे तो फिर जो है उसमें वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के फोन कॉल्स अटेंड करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर यह बता दूं मैं कि कोर्स डिटेल्स का ये वीडियो है और ये है जो वीडियो बनाया जा रहा है ये वीडियो है फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-2020 और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फीचर्स, कोर्सेज के जो है फीचर्स और उनकी प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द फी स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। द कोर्स डिटेल्स एंड प्राइसिंग प्रोवाइडेड हेयर अप्लाई टू द अपकमिंग एकेडमिक सेशन 2019-2020 जो कि ये शुरू होगा स्टार्टिंग अप्रैल 2019 टिल मार्च 2020। तो इस वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं वो अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में जो टाइम पीरियड है मतलब इस एकेडमिक सेशन के लिए कही जा रही हैं। द एम ऑफ दिस वीडियो इज टू प्रोवाइड यू अ फेयर आइडिया अबाउट द ऑफरिंग्स ऑफ कुशल एडुकेयर सर्विसेज स्पेशली द कोर्स डिटेल्स and pricing for the academic session 2019-2020 and is not a legal binding। ये not को यहाँ पर capital से लिखा गया है, इसके मतलब है कि यहाँ पर जो भी बातें मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ वो ऐसा मत समझिए कि वो कोर्स स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया गया है आपको, ये इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं।
लेकिन ये आपको एक फेयर आइडिया देगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसिंग के बारे में, और ये डिटेल्स और प्राइसिंग एप्लीकेबल है एकेडमिक सेशन 2019-2020 के लिए। फिर आगे द कोर्स फीचर्स एज वेल एज प्राइसिंग और एनी अदर डिटेल्स गिवन हेयर मे बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड, डिलीशन या एडिशन इसमें किया जा सकता है सब्सिक्वेंटली एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2019-2020 इफ सर्कमस्टेंसेज सो डिमांड। अब मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो गए कि उसमें कुछ चेंजेस करना पड़े, तो ये नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं कर सकते, साहब आपने ये कहा था और वो कहा था और फला है और ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सर्कमस्टेंसेस ही वैसे हो गए कि उसमें कुछ बदलाव करना पड़े और मजबूरन कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर जो है वो किया जाएगा। इफ देयर इज एनी चेंज सब्सिक्वेंट टू पब्लिशिंग दिस वीडियो इट विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसमें जो भी कुछ बातें कही गई हैं उसमें कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से मैं लिख दूंगा। वैसे ही आपको जो इसमें बताया जा रहा है उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती, तो 19-20 चेंज इसमें ही 19-20 का ही चेंज इसमें किया जाएगा, ब्रॉडली जो है वो सेम ही रहेगा। अब आगे देखिए, अब एकेडमिक सेशन 2019-2020 में जो क्लासेस हैं किस लेवल पे, तो प्राइमरी क्लासेस मतलब हो गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, मिडिल क्लासेस और सेकेंडरी क्लासेस, ये इन तीन लेवल्स पर ये क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इन तीन लेवल्स पे जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक तो है हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 होम ट्यूशन। 1-to-1 मतलब हो गया कि एक टीचर है और एक विद्यार्थी है। 1-to-few होम ट्यूशन मतलब आपका एक टीचर है, एक अध्यापक है और कुछ जो है, कुछ मतलब हो गया 3 से 5, आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसमें क्या है। फिर है 1-to-many क्लासरूम बैच, जैसे क्लास में होता है काफी सारे विद्यार्थी हैं और काफी सारे से मेरा मतलब 15-20 विद्यार्थी होंगे और एक अध्यापक है पढ़ाने वाला। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस है एनटीएससी एग्जाम। ये नवंबर में जो एनटीएससी एग्जाम होता है तब तक क्या है कि बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं और एनटीएससी एग्जाम के लिए उनको तैयार कराया जाता है। तो हमारा जो मेन एम है यहाँ पर अभी वो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और उससे जो है हमारा अटेंशन डाइवर्ट ना हो इसलिए अभी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को होल्ड पे रखा है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे नवंबर दिसंबर के महीने से। अब इसमें आगे देख लीजिए, एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑल अदर कोर्सेज आर अवेलेबल ओनली लखनऊ सिटी। ऑनलाइन क्लासेस विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स रेजाइडिंग इन लखनऊ एज वेल एज आउटसाइड लखनऊ। ये अभी क्लासेस जो स्टार्ट हो रहे हैं ये अभी लखनऊ सिटी में ही है, और इसलिए लखनऊ में जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं सभी के लिए जो है ये वीडियो है। और ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वो लखनऊ और लखनऊ के बाहर भी हैं। आगे आने वाले एकेडमिक सेशन में हो सकता है हम लोग लखनऊ के बाहर भी जो है एक्सपेंड करें, अभी हम लोग क्लासेस ऑफर कर रहे हैं खाली लखनऊ में ही। नेक्स्ट, 1-to-1 होम ट्यूशंस। 1-to-1 मतलब हो गया एक टीचर है और एक विद्यार्थी है। होम ट्यूशंस किस लेवल पर ये अवेलेबल है, ऑल लेवल्स जैसे मैंने बताया पहले, प्राइमरी 1-to-5, मिडिल 6-7-8, सेकेंडरी 9-10, तीनों लेवल्स पे अवेलेबल है, बट स्पेशली रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल क्लासेस हु आर टू यंग टू कम्यूट टू द स्टडी सेंटर बाय देमसेल्स। अगर सो मान लिया जाए यहाँ पर कि कोई बच्चा सेकेंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, तो छोटे बच्चे हैं, वो डेली अपने आप ये स्टडी सेंटर हमारा जो है जहाँ पर हमारे क्लासेस चलते हैं वहां तक जो आना जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए जो है मुख्यतः ये प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के लिए है। सेकेंडरी वाले भी होम ट्यूशन लगा सकते हैं, अब उसमें आगे स्लॉट्स अवेलेबल होना चाहिए, मैं जैसा आपको बताऊंगा। अगर स्लॉट अवेलेबल है और सेकेंडरी क्लास का कोई बच्चा 9th या 10th क्लास का ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो जो है उसमें तो हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका एम है कि जो छोटे बच्चे हैं। अब सब्जेक्ट्स, सारे कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट से मेरा मतलब हो गया लैंग्वेजेस, इंग्लिश की आपको ट्यूशन है, हिंदी की ट्यूशन है, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, जितने भी कोर सब्जेक्ट है सभी के लिए जो है यहाँ पर ट्यूशन अवेलेबल है प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे।
अब देखिए, हर एक चीज के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं। तो आपको ब्रीफली यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं पहले होम ट्यूशन्स के बारे में। एडवांटेजेस, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मैं बताऊंगा, आपको दोनों ही पता होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीशन। तो सबसे इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि लर्न फ्रॉम होम, नो नीड टू कम्यूट टू द ट्यूशन सेंटर थ्रू द बिजी रोड्स, सेव टाइम फ्यूल, अवॉइड ट्रबल ऑफ कम्यूटिंग एंड ट्रैफिक। तो सड़कों का जो हाल है और जो ट्रैफिक का हाल है उससे आपकी बचत हो जाएगी। 1-to-1 होम ट्यूशन में बचत आपके वक्त की होगी, सेव टाइम, ईंधन की, पेट्रोल की, और अवॉइड ट्रबल ऑफ कम्यूटिंग। आपको घर से निकल के और जो बिजी ट्रैफिक में जो से होके जो गुजरना है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा 1-to-1 होम ट्यूशन का। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। अब इसके आगे, लर्न इन सिक्योर्ड एनवायरमेंट ऑफ होम। अब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अबोध हैं, उनको सही गलत की कई बार उतनी जानकारी नहीं होती है जितने की बड़े लोगों को। और सर्दियों में खास करके जो है ये है कि अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, तो सिक्योरिटी का बहुत इशू है इंडिया में। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, आपका टाइम सेव होता है, फ्यूल सेव होता है, अवॉइड ट्रेवल ऑफ कम्यूटिंग, वो सब है। उससे ज्यादा, या मैं कहूंगा लगभग उससे ज्यादा या इंपॉर्टेंट बात है ये भी है, सिक्योरिटी का जो इश्यू है। अब आप होम ट्यूशन कर रहे हैं तो होम ट्यूशन में क्या है कि आपके अपने घर में बैठे हैं आप, सब सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, कुछ विद्यार्थी क्या है, डिफरेंटली एबल्ड है। अब ऐसा मान लिया जाए किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है कोई भी, या जो है शारीरिक और कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है होम ट्यूशन लगा सकता है, उसके लिए होम ट्यूशन जो है बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये देखिए, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सम स्टूडेंट्स आर वेरी शाई एंड ट्राई टू हाइड देयर इग्नोरेंस। सो देर इन होम ट्यूशन देर इज मोर फोकस ऑन बेसिक्स। अब जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने लिखा √2 + 1 और नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया उसने 2.412 414। अब जिसको नहीं आता वो शर्मा रहा है, वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने जो क्लास में पूछा तो सबको पता चल जाएगा मेरी अज्ञानता का और जो है समरी हंसी उड़ाएंगे। इस डर की वजह से ये जो शाइनेस आ जाती है, ये क्लासरूम का एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत ही शाई होते हैं, वो खुल के टीचर से बात नहीं कर पा। और क्लासरूम में क्या है कि वो तो क्लास के हिसाब से चलेगा, उसका टाइम है, सिलेबस है, शेड्यूल है, उस हिसाब से कराया जाएगा। अगर आप होम ट्यूशन लगाते हैं और आपको ये नहीं पता कि √2 + 1 इज इक्वल टू 2.414 कैसे लिख दिया मास्टर ने, तो वो आप जो बेसिक छोटी छोटी बातें भी टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देयर इज मोर फोकस ऑन बेसिक्स। अब क्लासरूम में क्या रहता है, वहां पे क्लास चल रहा है, 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं, उसका टाइम है, शेड्यूल है, सिलेबस है, सिस्टम है। वहां पर क्या होता है कई बार, जैसे मान लीजिए क्लास 10 की, 10 स्टैंडर्ड की क्लास चल रही है, किसी बच्चे को 6ठी 7वीं में पढ़ाए गए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वहां पर क्या टीचर जो 6ठी 7वीं के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। होम ट्यूशन में क्या रहता है कि बेसिक्स पे जो है आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है। और इसमें क्या होता है, शाई बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इसके आगे, वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। क्लासरूम में जो 15-20 बच्चों का जो बैच चल रहा है वो बैच के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए कई बार क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है बैठे जो है हंसी मजाक कर रहे हैं, लास्ट बेंच पे, कोई भी क्लास में होता ही है, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ जो विद्यार्थी है उस वो हंसी मजाक कर रहा है या अपनी अलग दुनिया में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जो विद्यार्थी है जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, या तो वो विद्यार्थी के जो फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उससे तेज पढ़ा रहा है, या वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो उस विद्यार्थी के स्टैंडर्ड से जो है नीचे का स्पीड से पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 15-20 बच्चों का चल रहा है बैच, तो
बैच तो बैच के हिसाब से चल रहा है। अब हर एक स्टूडेंट का जो है समझने का, चीजों को समझने का, एब्जॉर्ब करने की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो ये फाइन ट्यूनिंग जो है कि हर एक स्टूडेंट के हिसाब से टीचर पढ़ाए, ये होम ट्यूशन में तो हो सकती है, ये क्लासरूम बैच में कभी नहीं हो सकती है। क्लासरूम बैच में तो टीचर 15-20 बच्चों के साथ पढ़ा रहा है, उसका बैच है, वो उस हिसाब से टाइम सिलेबस कवर कराना है उसको। होम ट्यूशन में क्या है कि आपको अगर जो है स्पीड कम लग रही है टीचर की, आप उसे कह सकते हैं सर ये तो मुझे आता है, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं कर लेता हूँ, आप मुझे जो थोड़ा सा जो है इसके आगे का ये बताइए, तो आपके हिसाब से फाइन ट्यूनिंग हो गया। और अगर आप तेज कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है टीचर तेज पढ़ा रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं सर ये थोड़ा सा स्लो करा दीजिए, ये मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो ये जो पढ़ाने की स्पीड है, ये थोड़ी सी 19-20 का ऑल्टरेशन पॉसिबल है। जितना होम ट्यूशन में पॉसिबल है, उतना पॉसिबल क्लासरूम में नहीं होता है, क्योंकि क्लासरूम में तो बैच के हिसाब से चलती है बात। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो आप बेझिझक होके आप टीचर से पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने। फिर इसके आगे, नो नीड फॉर द स्टूडेंट टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। अब क्लास में मैं देखता हूँ जब टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चा वहां पर जो नोट्स भी लिख रहा है, और वो जो है मास्टर जो पढ़ा रहा है उसको समझने की कोशिश भी कर रहा है, एक बार में दो काम कर रहा है, नोटबुक पे लिख भी रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा है। इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कोशिश कर रहा है। जो हमारे यहाँ जो होम ट्यूशन हो रही है, उसमें बच्चे को नोट्स लिखने की, कॉपी में कलम घिसने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस पॉइंट को, छठे पॉइंट को और ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा, इसको समझिएगा जरा सा। क्लासरूम में बच्चा है तो उसे नोट्स लिखने की जरूरत रहती है, 1-to-1 होम ट्यूशन जो हमारा सिस्टम है उसमें नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको। अब वो कैसे होगा देखिए बताता हूँ आप। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लीजिए, एडवांटेज मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, नो पीयर प्रेशर और कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, एब्सेंस ऑफ पीयर प्रेशर एंड म्यूचुअल कॉम्पिटिशन विथ फेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप ब्रिंग्स इन कॉम्प्लेसेंसी एंड अ लेड बैक अप्रोच। जैसा कि हिंदी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो बात यहां पर नहीं हो पाती है। यहां पर क्या है कि ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो रहा है, पढ़ रहे हैं, चल रहा है, ये वाली थोड़ी सी बात आ जाती है। क्योंकि तो इसमें क्या है, पीयर प्रेशर नहीं है। और क्लास में क्या होता है कि बच्चा दूसरे बच्चे को देख के भी कई बार जो है मेहनत करता है कि अरे उसने कर लिया, मैंने नहीं किया, जो है अच्छा मैं भी करके देखता हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी क्लास में अच्छा करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को देख के बच्चे कई बार करते हैं। अगर आप होम ट्यूशन करते हैं 1-to-1, तो इसमें फिर वो बात रहती नहीं है। अब इसलिए नहीं रहती क्योंकि वहां पर और कोई बच्चा तो है नहीं, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से चल रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट नहीं आ पाता है। दूसरी क्या बात है डिसएडवांटेज, कॉस्ट इज प्रोहिबिटिव फॉर मेनी। दिस मीन्स 1-to-1 होम ट्यूशन इज अ लग्जरी विच कम्स विद ए हायर प्राइस टैग एज कंपेयर टू क्लासरूम बैच। भाई देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर क्लास में 15-20 बच्चे हैं, तो क्लास को रन करने का जो खर्चा है वो 15-20 बच्चों में डिवाइड हो रहा है, और यदि आप अकेले पढ़ रहे हैं तो वो पूरा खर्चा आपको देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1-to-1 होम ट्यूशन, जिसमें कि आपका ईंधन बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, आपको सरदर्दी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, आपने हिसाब से आप चीजों को आगे पीछे करके थोड़ा सा स्पीड उसमें से वेरी कर सकते हैं, आपको कोई बेझिझक कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई शाइनेस इसमें फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो बेनिफिट्स हैं, उस सब के लिए आपको जो है फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो है आप अकेले पढ़ रहे हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और देखिए आगे, अब ये है कि हमारे यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है 1-to-1 होम ट्यूशन में, हाउ कुश एडुकेयर सर्विसेज होम ट्यूटर्स टीच, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। द ट्यूटर विल टीच एट होम ऑफ द स्टूडेंट 3 days इन अ वीक। ये हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई स्टूडेंट दाखिला लेता है 1-to-1 होम ट्यूशन में, तो 3 दिन क्लासेस होती हैं, और वो 3 दिन जो क्लास होगी वो घर पे होगी विद्यार्थी के। एक क्लास की ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट की, 90 मिनट्स, ये स्टैंडर्ड है, क्लासरूम में भी ऐसा ही है और होम ट्यूशन में भी ऐसा ही है। अब इसमें क्या किया गया है, द ट्यूटर विल कम 5 मिनट्स बिफोर टाइम एंड लीव 5 मिनट्स आफ्टर टाइम।
so that the student gets full 90 minutes to interact with the tutor. जो tutor है वो 5 मिनट पहले आएगा time से और 5 मिनट बाद में जाएगा. इसके मतलब ये हो गया कि पूरा आपको 90 मिनट्स का जो स्लॉट है वो पूरा बच्चे के पास है इंटरेक्ट करने के लिए. अब देखिए 90 मिनट्स में कैसे बात होगी आगे. 90 मिनट में ऐसे बात होती है कि पहले 15 मिनट रिवीजन होगा ऑफ पास्ट लेसन और डायग्नोस्टिक टेस्ट. अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूं अभी इस वीडियो में आगे. लास्ट 15 मिनट्स समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड और गिविंग द स्टूडेंट सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड और क्लियरिंग द डाउट्स. तो इसे टीचर आया, ट्यूटर आपके पास आएगा 5 मिनट पहले. अब पढ़ाने के पहले वो क्या करेगा, 15 मिनट पहले आपको रिवीजन कराएगा या उस बीच में डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे. फिर लास्ट के 15 मिनट में जितना उसने पढ़ाया वो रुक जाएगा, लास्ट के 15 मिनट में आगे नहीं पढ़ाएगा. जितना उसने पढ़ाया है पिछले 1 घंटे में उसको समराइज कराएगा और स्टूडेंट को उसी से रिलेटेड जो सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो बताएगा या स्टूडेंट से पूछेगा कि आपको इस पे कुछ डाउट है तो आप वो पूछिए, फिर वो डाउट एक्सप्लेन कराएगा. तो 90 मिनट में से 15 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट ये निकल गया, 60 मिनट जो है वो फिर जो है टीचिंग के लिए है. अब इसमें आगे हाउ कुशल एडुकेयर सर्विसेज होम ट्यूटर टीच, उसी का एक और पॉइंट है. द टीचिंग इज डन ऑन कुशल एडुकेयर सर्विसेज प्रिंटेड पेपर शीट्स. द स्टूडेंट कैन कीप दीज शीट्स एज क्लास नोट्स. द ट्यूटर शैल क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ दीज शीट्स एंड सबमिट देम इन द ऑफिस ऑन दैट डे इटसेल्फ एज अ प्रूफ ऑफ ट्यूटरिंग ए पर्टिकुलर टॉपिक टू ए पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो जैसा मैं आपको बता रहा था पहले कि यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को नोट्स लिखने की दिक्कत नहीं होती है. तो टीचर आएगा पढ़ाने के पहले, उसके पास कुछ एडुकेयर सर्विसेज का प्रिंट किया हुआ जो है कंपनी के लोगो होगा, उसमें नाम होगा, कंपनी प्रिंटेड शीट्स होंगी. इसमें सबसे पहले टीचर क्या करेगा, उसे जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम लिखेगा और डेट डालेगा, फिर उन शीट्स पर पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद ये शीट्स को वो बच्चों को दे देगा. ये हो गए बच्चे के क्लास नोट्स. तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखने वाला काम टीचर कर रहा है. बच्चे का काम है सिर्फ सुनेगा और समझेगा. और वो जो टीचर ने पढ़ाया है उसके टीचर क्या करेगा कि उसके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेगा. जैसे मान लीजिए कि पढ़ा रहा है तो 5 शीट, 6 शीट, 7 शीट, 10 आपके पेजेस लगे, जितने आपके पेज लगे उनके आप फोटो क्लिक कर लेंगे. ये मैं टीचर्स को कह रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है ये पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर सभी के लिए है. तो टीचर्स के लिए भी है जो कि पढ़ाने का स्कीम क्या है, आप उसी समय फोटो क्लिक कर लीजिए और वो फोटोग्राफ आप यहां पर आके सबमिट कर दीजिए. अब ये फोटो जो है ये हो गया कि इस दिन इस तारीख को ये टॉपिक आपने इस बच्चे को पढ़ाया है, वो उसका प्रूफ हो गया. अब इस तरह से क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई विद्यार्थी जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और बाद में जब उनके एग्जाम में परीक्षा में खराब उनके मार्क्स आते हैं तो कहते हैं हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, कुछ हुआ ही नहीं. तो वो उसका ये प्रूफ है कि भाई आपको इस तारीख को इस डेट को ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इस टीचर. और वो जो फोटोग्राफ्स होंगी वो हमारे पास ऑफिस में बच्चे के नाम का फोल्डर होगा उसमें रहेंगी. अब यहाँ पर एक शुरू में कहा गया है 15 मिनट जो शुरू के होंगे उसमें कभी कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है. अब सुन लीजिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, इसका पर्पस क्या है. इसका पर्पस है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्यूटरिंग द स्टूडेंट. बच्चे को जो ट्यूशन लगाया गया है उस ट्यूशन का बच्चे को कितना फायदा हो रहा है, उसके दिमाग में कितनी बातें जो है वो घुस रही हैं. इसको ये इसका पर्पस है भाई, आपने पढ़ाया, आप पढ़ा के आए, अब उसमें से कितने फैक्ट्स बच्चे के दिमाग में गए इसका भी तो आकलन होना चाहिए. वो काम हो रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कौन कराएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसको अथॉरिटी है. अथॉरिटी सिर्फ मुझे है, डायरेक्टली मेरे सुपरविजन में डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, या मैं ही इसको कंडक्ट कराऊंगा या मैं पर्सनली किसी को सुपरवाइज करने के लिए कहूं तो बात अलग है. ये डायरेक्टली मैं करवाता हूं. ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है. रीजन बताता हूं मैं ये क्यों कराता हूं मैं.
Sometimes the students and parents are satisfied with a particular tutor and have no issues at all, but the student performs poorly in the diagnostic test. कई बार मैंने देखा है, जैसे मैंने कहा कि बच्चे अबोध होते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती है. कोई बच्चा किसी टीचर से बहुत इंप्रेस है. अब इंप्रेस क्यों है ये नहीं पता, इसके अलग अलग कारण होते हैं. कई बार ऐसा है कि कोई विद्यार्थी किसी टीचर से बहुत ज्यादा इंप्रेस है. अब बच्चे की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जब मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहा हूं तो उसमें बच्चे का जीरो आ रहा है. इसका मतलब हो गया कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है जिसको कि नजरअंदाज किया जा रहा है. तो ये मैं क्वालिटी कंट्रोल करता हूं इस तरह से. पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आए वो तो अलग बात है ही, उसको तो किया ही जाएगा. स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेंट आए वो अलग बात, उसको तो हैंडल किया ही जाएगा. लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश है और सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब मैं बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहा हूं तो उसे कुछ नहीं आता. इसका मतलब है कि हमें जो है जो पढ़ाया गया, जो ट्यूशन दे रहे हैं हम लोग बच्चे को, उसकी इफेक्टिवनेस वो मैं चेक करता हूं इससे, डायग्नोस्टिक टेस्ट से. अब आगे देखिए इसमें कैसे होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट. दीज टेस्ट आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड टिपिकली कंप्राइज ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट इज 10 to 15 मिनट्स. जो बच्चे के जो वैसे टेस्ट होते हैं, फोर्टनेटली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, वो सब अलग है. ये अलग है, ये टेस्ट का अनाउंसमेंट नहीं होता. देखिए लिखा भी है मैंने यहां पर, दीज टेस्ट आर अनाउंस्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन दीज टेस्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनल मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल. क्लास में आपने अनाउंस कर दिया, बच्चों इस तारीख को आपका टेस्ट होगा, सब बच्चे से तैयारी कर रहे हैं. आपने टेस्ट कंडक्ट कराया, कंडक्ट कराने के बाद आपने उसका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया. एक बार ये टेस्ट क्या है, ये डिफरेंट है. इस टेस्ट के अनाउंसमेंट नहीं होता है, अनअनाउंस कंडक्ट करवाया जाता है. पेपर मैं बनाता हूं, कभी भी रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट किया जा सकता है और इसका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर नहीं लगता है. यह इंटरनल मॉनिटरिंग हमारी स्टाफ मीटिंग होती है उसमें इसके बारे में चर्चा की जाती है कि आपने ये स्टूडेंट को पढ़ाया है और इस जो स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है उसके जो है बारे में उसकी परफॉर्मेंस ये है. तो इंटरनल मॉनिटरिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया. इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल फ्रॉम द सिलेबस पोर्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. जिसकी फोटोग्राफ आपने सबमिट कर दी ऑफिस में कि हो गया भाई, इस तारीख को आपने टॉपिक पढ़ाया है बच्चे को अच्छी तरह से. फिर उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में फ्रेम करके अपने आप जाके रेंडमली कभी भी किसी बच्चे का टेस्ट ले सकता हूं, लेता हूं. अब आगे, कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस इन डायग्नोस्टिक टेस्ट मींस दैट समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग समवेयर एंड अलार्म बेल शुड रिंग अप बिफोर इट्स टू लेट. बोथ स्टूडेंट ट्यूटर आर मेड अवेयर अबाउट दिस. बच्चे का कभी मान लीजिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस आ गया है, एक बार कभी मान लीजिए कि कभी वंस इन अ वाइल खराब हो गया, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर वो बच्चा परफॉर्मेंस पुअर दिखा रहा है और आपसे बहुत खुश है, पेरेंट्स का कोई कंप्लेंट आ नहीं रहा, लेकिन जब मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहा हूं कंसिस्टेंटली उसमें पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है, इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वक्त रहते उस पर काम करना बहुत जरूरी है. फिर इन एक्सट्रीम केसेस वी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. तो ये स्टाफ मीटिंग होती है उसमें इंटरनल मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का ये पैरामीटर है, इस पर बातचीत होती है, उस पर चर्चा होती है डिटेल में. बच्चे को भी बताया जाता है कि बच्चे तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, आपको भी बताया जाएगा, टीचर को बताया जाएगा, पेरेंट को भी बताया जाएगा, पता लगाने की कोशिश करी जाएगी कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है. यदि कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस आ रही है बच्चे की तो फिर उसमें इन एक्सट्रीम केसेस तब फिर मैं एक्शन लेता हूं. ये जो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, इन एक्सट्रीम केसेस वी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, वो तो एक्सट्रीम केस की बात है, लेकिन वक्त रहते देखिए इसमें स्वेच्छा से अपने आप से ही जो है बच्चा है, ट्यूटर है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्वेच्छा से जो काम होगा तो उसकी एक अलग बात रहती है. स्वेच्छा से ही बच्चा जो है इंप्रूव करे, ट्यूटर इंप्रूव करे, और जो है कहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है, और यदि कोई भी इंप्रूवमेंट करने को तैयार ही नहीं है और कंसिस्टेंटली बच्चा जो है पुअर परफॉर्मेंस है और वैसे टीचर से बहुत सेटिस्फाइड है, तो भाई कुछ ना कुछ उसमें एक्शन लिया ही जाएगा.
इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में आपको बता दूं, कौशल एडुकेयर सर्विसेज इज फॉर हार्ड वर्कर्स एंड नॉट फॉर स्मार्ट वर्कर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. देखिए, कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी है चाहे वो अध्यापक है, चंचल, चपल, चतुर नहीं चल सकता. कौशल एडुकेयर सर्विसेज में चाहे विद्यार्थी है चाहे जो वो अध्यापक है, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, चींटी की भांति, मधुमक्खी की भांति वो काम करने वाला होना चाहिए. अगर आप स्मार्ट वर्कर हैं या स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं, स्मार्ट वर्कर की वाली सोच है आपकी, तो कौशल एडुकेयर सर्विसेज में आपको हमेशा दिक्कत आएगी. कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर अगर वो स्मार्ट वर्क वाली जो फिलोसफी पे चलता है तो उसको यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी. क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं हूं, मैं खुद हार्ड वर्कर हूं और हार्ड वर्क जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को पसंद करता है. कौशल एडुकेयर सर्विसेज में विद्यार्थी हो, टीचर हो, हार्ड वर्किंग जो है तो सब सही है, जो मेहनती है, जो कर्मठ है और जो टिप्स ढूंढता है, ट्रिक्स ढूंढता है, या जो है इस तरह की, जैसे मैंने बताया, स्वभाव से चंचल है, चपल है, चतुर है, होशियार है, वो सब यहाँ पर नहीं चल सकता भाई. तो ये बहुत ही क्लियरली है, बिल्कुल साफ बात मैं आपको बता रहा हूँ. हार्ड वर्कर होना चाहिए, स्मार्ट वर्क वाला नहीं चलेगा. अब प्रोसेस क्या है? एडमिशन इन 1-to-1 होम ट्यूशन आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूटर स्लॉट. जो मेन इसमें दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहां पर आती है वो यही है कि ट्यूटर स्लॉट्स लिमिटेड है भाई. अब उसके आगे, समटाइम्स ऑल द ट्यूटर्स आर इधर बिजी. अभी बहुत से पेरेंट्स ने मुझे फोन किया सब ट्यूशन के लिए. दिक्कत ये है कि कोई ट्यूटर स्लॉट फ्री ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? ट्यूटर स्लॉट फ्री होना चाहिए हमारे पास. मेन प्रॉब्लम यहां पर यही आती है इस प्रोसेस में, ये वाला जो है 1-to-1 होम ट्यूशन, ट्यूटर स्लॉट्स आर लिमिटेड. फिर उसके आगे, ऑल ट्यूटर्स आर इधर बिजी और आर फ्री एट ए टाइम दैट मे नॉट बी कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट. भाई जिस वक्त ट्यूटर फ्री हो उस वक्त वो टाइम आपको सूट नहीं कर रहा है. और इसमें बात और भी आती है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर तो जो है ध्यान नहीं देते, अब लास्ट में जब परीक्षा आने वाली, एग्जाम आने वाले, तो उसके 1-2 महीने पहले ट्यूशन ज्वाइन करने की सोचते हैं और उनकी सोच ये होती है कि 1-2 महीने ट्यूशन करने से कोई जादू हो जाएगा. भाई कैसे हो जाएगा? तो ऐसे में क्या है कि ट्यूटर्स भी फिर उनको एंटरटेन नहीं करते. तो आप ट्यूशन करना चाह रहे हैं, 1-to-1 होम ट्यूशन करने का आपने फैसला ले लिया है, आपने दिमाग में सोच लिया है, लेकिन ट्यूटर भी तो फ्री हो. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं ट्यूशन के लिए, ट्यूशन लगवानी है. अब लगवानी तो है लेकिन ट्यूटर स्लॉट ही नहीं है, कोई टीचर ही फ्री नहीं है, तो फिर नहीं हो पाता है. अब देखिए इसमें क्या है कि एडमिशन इन 1-to-1 होम ट्यूशन आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूटर स्लॉट. समटाइम्स ऑल द ट्यूटर्स आर इधर बिजी और आर फ्री एट अ टाइम दैट मे नॉट बी कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट. कॉन्सिक्वेंटली पेरेंट्स मस्ट डू एन इंक्वायरी ऑन फोन एंड बुक ट्यूटर वेल इन एडवांस. आपको एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, प्राइसिंग अभी बता दूंगा मैं इसकी, आप देख लीजिए. अगर आपको समझ में आता है तो आपको पहले से वेल इन एडवांस आप ट्यूटर स्लॉट बुक कर लीजिए. ट्यूटर स्लॉट क्योंकि लिमिटेड रहते हैं 1-to-1 होम ट्यूशन में, ये इसमें थोड़ा सा एक बात है. अब इसके आगे, मंथली कैलेंडर ऑफ सिलेबस कवरेज सो द स्टूडेंट विल बी ट्यूटर्ड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स लिस्टेड फॉर दैट मंथ इन विच अ स्टूडेंट इज एडमिटेड. ये भाई देखिए एक और इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर कि आपको जो ट्यूशन पढ़ाया जाएगा उसका एक मंथली कैलेंडर है. मान लिया आपने मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है, मान लिया आपने सोशल साइंस का पढ़ना है, आपने जिस भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ना है, उसका हमारे क्या रहता है, मंथली कैलेंडर रहता है कि आपको इस महीने में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, इस महीने में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और इस महीने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. ये मंथली कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग उस मंथली कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं. आपको थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, देखता हूं आगे. इफ अ स्टूडेंट टेक्स एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई बट वॉन्ट्स टू स्टडी द सिलेबस ऑफ सितंबर मंथ और एनी अदर सिमिलर ऑल्टरेशन इन द मंथली कैलेंडर देन दैट इज पॉसिबल. मान लीजिए आपने जुलाई महीने में दाखिला लिया और सितंबर के महीने के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत इसे नहीं कि सितंबर के महीने के जो टॉपिक्स हैं वो आपको जुलाई के महीने पढ़ा दिए जाएंगे. हर महीने का एक एक सिलेबस कवरेज का कैलेंडर है,
उसमें टॉपिक्स लिस्टेड हैं कि आपको किस महीने कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, यहां पे आपको बता दूं, इफ अ स्टूडेंट्स वांट टू चेरी पिक टॉपिक्स लिस्टेड फॉर डिफरेंट मंथ्स, एग्जांपल फ्यू टॉपिक्स दैट आर लिस्टेड फॉर मई मंथ, फ्यू टॉपिक्स दैट आर लिस्टेड फॉर अक्टूबर मंथ एंड फ्यू टॉपिक्स लिस्टेड फॉर दिसंबर मंथ एंड क्रिएट अ न्यू करिकुलम फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मान लीजिए वन टू वन होमपिशन लगाते हैं और फिर आप ये कहते हैं सर ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर में से दो टॉपिक उठा लीजिए, सेकंड में से दो उठा लीजिए, ये जो टॉपिक सितंबर के महीने के है चार टॉपिक इसमें से और पांच टॉपिक उठा लीजिए अक्टूबर के महीने के और इसको मिक्स करके हमें ये टॉपिक्स पढ़ा दीजिए। तो बच्चे ऐसे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जब तुम उस महीने के सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे तब तुम्हें वो टॉपिक वो जो पूरा जो फ्लो है वो क्लियर होगा। दो टॉपिक यहां से, एक टॉपिक वहां से, तीन टॉपिक यहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, ये हमें बता दीजिए। ऐसे नहीं होता है, ना तुम्हारा बेनिफिट रहेगा और ना ही तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो उसको डिलीवरी एंड पे हमें भी उसमें बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए कैलेंडर वाइज हम लोगों ने बना रखा है चैप्टर, ये आपको जब एडमिशन लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको हर एक महीने का मंथली कैलेंडर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस महीने में, चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ है या जैसा भी कैलेंडर के हिसाब से कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर इस महीने पढ़ाया जाएगा, सेकंड चैप्टर इस महीने में, हर एक मंथ का कैलेंडर रहेगा और फिर वो उस महीने में वो टॉपिक्स जरूर ही पढ़ाए जाने चाहिए। कहीं पे कोई दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम आती तो आप पूछिएगा, तो आप मुझे कहिए कि सर यहाँ पर ये हमारे टॉपिक्स लिस्टेड है ये अभी नहीं हो पा रहे हैं या इसमें हमारा जो है कभी कोई दिक्कत है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, आप मुझे सीधे फोन करिए। क्योंकि जिस महीने आपके दाखिला लिया है आपने, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ट्यूशन का जो वन टू वन होम ट्यूशन है ये मंथली इसमें चलता है हिसाब किताब, मंथली आपके टॉपिक्स होंगे और आपका मंथली एडमिशंस होंगे, तो उस महीने के टॉपिक्स का उस महीने में कवर होना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ देयर विल बी अ मॉक टेस्ट, दस वी डू नॉट प्रोवाइड टॉपिक वाइज ट्यूशन। भाई जो होम ट्यूशन है वो जिस महीने में आपने दाखिला लिया है उस महीने के जो टॉप के जो कैलेंडर है, जैसे मान लीजिए आपने मई महीने में दाखिला लिया है तो मैथ्स का चैप्टर मान लीजिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिस्टेड है कि मई महीने में, तो आपको वो मई महीने में फोर्थ फिफ्थ सिक्स ही पढ़ाया जाएगा और महीने के अंत में आपका एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, वो जो आपको जो चैप्टर पढ़ाए गए उसका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पैटर्न पे, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जैसे टेंथ क्लास का बच्चा है, नाइन्थ क्लास का बच्चा है तो एनटीएससी एग्जामिनेशन, छोटा बच्चा है तो उसके लिए एनटीएससी एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो उसके लिए जो उसके होम एग्जामिनेशन होते हैं, स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं, उस हिसाब से उतने का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो आपके जो चैप्टर्स लिस्टेड है, अच्छा मान लीजिए कि आप फोर्थ आपने किसी महीने में दाखिला लिया, उस महीने में फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन आप कहते हैं हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं पढ़ना है, हमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ना है, तो ठीक है भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जिस महीने का कैलेंडर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे अप्रैल के महीने के टॉपिक्स थे वो हमें इधर पढ़ा दीजिए, तो ठीक है आपको वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि फर्स्ट चैप्टर मुझे यहां से उठा लो, छठा चैप्टर वहां से उठा लो, दसवां चैप्टर वहां से उठा लो और उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ से, कुछ टॉपिक यहाँ से, कुछ टॉपिक यहाँ से करके नया एक बना दिया जाए, तो उसमें बड़ा हॉचपॉच हो जाता है, वो गड़बड़ रहता है। अगर आप इसका मन बना लेंगे, आप जो एडमिशन लेने आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई देखिए आप इस महीने में आपका एडमिशन हो रहा है, इस महीने में हमारे ये टॉपिक्स लिस्टेड है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे और उस टॉपिक्स का एंड में एक जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपके मॉक टेस्ट में ये रिजल्ट आए। महीने के बीच में एडमिशंस नहीं होंगे, ये मैं फिर से आपको बता दूं क्लियरली बात, क्योंकि मंथली टू मंथली इसका सिस्टम चलता है, मंथ टू मंथ ये है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब देखिए प्राइसिंग, प्राइसिंग इसका मैंने बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखा है। कॉम्पिटिटिव मतलब ये रखा है कि आप जिस हिसाब से आपको जो उसमें बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, आपका ईंधन का, पेट्रोल का, ट्रैफिक का, वो जितनी आपकी बचत है, आपको मैक्सिमम बचत हो और इसमें आपको जो है कम से कम फीस हो, ये बात का ध्यान रखा गया है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी गई है। जैसे कोई बच्चा अगर जो है प्राइमरी क्लास में है तो उसके लिए फीस रखी गई 3,000 रुपए है पर मंथ, मिडिल क्लास में पर मंथ पर सब्जेक्ट,
मिडिल क्लास के लिए फीस रखी गई है यहाँ पर 3,250 रुपए पर मंथ पर सब्जेक्ट। सेकेंडरी क्लासेस के लिए फीस रखी गई 3,500 रुपया पर मंथ पर सब्जेक्ट और जीएसटी आपको ऊपर से देना होगा। फी हैज टू बी सबमिटेड 1 वीक बिफोर द शेड्यूल क्लासेस थ्रू अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट बनाइए या आपसे चेक करके दीजिए। किसी भी तरह से कैश डिपॉजिट यहाँ पर नहीं होता, कैश का कोई यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन नहीं है। और फी शुड बी पेड इन एडवांस इन मंथली मोड, चेक लिख लीजिए या जो ड्राफ्ट बना दीजिए अकाउंट पे ही और 1 सप्ताह पहले। जैसे मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं सितंबर से, तो जो है ये हो गया कि 20-22 अगस्त तक आपकी फीस आ जाए। आप जुलाई में करना चाहते हैं तो 20-22 जून तक आप फीस दे दीजिए। आपको मई महीने में करना है तो उसका जो है फिर वही मतलब 1 सप्ताह पहले आपका फीस आ जाएगा। जब फी आपका डिपॉजिट होगा आपको कैलेंडर बता दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक पढ़ाने का तरीका क्या है वो सब मैंने डिटेल में आपको बताई दिया है। और ये कि महीने के एंड में आपको उसमें एक मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट आपके या तो होम एग्जामिनेशन के हिसाब से होगा या फिर जो एनटीएससी के एग्जाम के हिसाब से होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं। अब आगे देखिए, तो अब इसके बारे में बात करते हैं जरा सा। ये है 1 to few होम ट्यूशंस। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब हो गया कि किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ये। अब यहां पर अवेलेबिलिटी में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए इसको, फॉर ए ग्रुप ऑफ मिनिमम 3 to a maximum of 5 स्टूडेंट्स। तो इसको जरा सा 3 स्टूडेंट्स से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स। हु आर फ्रेंड्स एंड हैव नो हेजिटेशन आस्किंग क्वेश्चंस टू टीचर इन ईच अदर प्रेजेंस। जैसा मैंने आपको कहा कि होम ट्यूशन बेसिकली वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर कि बच्चे को बेसिक्स नहीं पता है और वहां पर उसको शाइनस है और वो डरता है, इस बात से घबराता है कि अगर वो क्लास में क्वेश्चन पूछेगा तो सब बच्चे बाकी उस पर हंसेंगे। तो मान लीजिए कि 3, 4, 5 बच्चे तक इनका एक ग्रुप है, इनको आपस में दूसरे से कोई हेजिटेशन नहीं है, ये सब मतलब एक ही लेवल के हैं लगभग, तो वो एक ग्रुप बना लिया और उसका ये होम ट्यूशन हो गया, ग्रुप होम ट्यूशन हो गया। अब देखिए क्या है, दी क्लासेस कहां पर होंगे, क्लासेस में बी कंडक्टेड एट होम ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप ऑन ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा ये, तो कोई भी 3-4 लोगों का जो ग्रुप है उससे किसी के भी घर पे क्लासेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन 1 to few होम ट्यूशंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जैसे कि पहले मैंने बताया 1 to 1 होम ट्यूशन में मंथली हिसाब किताब होता है, मंथली एडमिशंस होते हैं, मंथली सिलेबस कवरेज होगा, सिलेबस कवरेज यहाँ पर ही मंथली होगा, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशंस होंगे आपके वो होंगे मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, तिमाही तिमाही मतलब ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर चलेगा। अब देखिए आगे इसके और फीचर्स बताता हूँ आप। अब इसका यूनिक एडवांटेज है, इसका यूनिक एडवांटेज ये है कि 1 to few होम ट्यूशन ऑफर्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ 1 to 1 होम ट्यूशन एट ए प्राइस फार लेस देन 1 to 1 होम ट्यूशन। अब इसका यूनिक एडवांटेज ये है कि आपने मन बना लिया है 1 to 1 होम ट्यूशन का, लेकिन उसकी फीस आपको ज्यादा लग रही है, तो 1 to few होम ट्यूशन में क्या है कि आपको वही बेनिफिट्स, वही बेनिफिट मतलब ये है कि आपका पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत, ट्रैफिक की बचत, आना जाना नहीं है, घर पे टीचर आए आपके हिसाब से, आपके स्पीड के हिसाब से पढ़ाए, जितना आप समझ पा रहे हैं उससे, ना तेज हो ना धीमे हो, सारे बेनिफिट्स, और साथ में आपके पेरेंट की जेब पर भी जो भारी ना हो, तो उसके लिए है यह 1 to few होम ट्यूशन। इसका यूनिक एडवांटेज आपको मिलेगा, आपको 1 to 1 होम ट्यूशन के सारे एडवांटेजेस मिलेंगे और इसकी प्राइसिंग जो है आपकी कंपैरेटिवली इसमें आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइसिंग होगी। अब इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज, एट अ यंग एज इन देयर लाइफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मेक एंड ब्रेक फ्रेंडशिप बट ए ग्रुप होम ट्यूशन स्टार्टेड फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स। अब क्या है कि आज को आपने एक लगभग एक लेवल के आपके जो
दो तीन जो आपके अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ आपने ग्रुप ट्यूशन के लिए इसमें कह दिया और 3 महीने का दाखिला स्टार्ट हो गया और क्लासेस स्टार्ट हुए। अभी मुश्किल से 8-10 दिन हुए थे, 10-8-10 क्लास हुई थी, आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब बच्चों का ऐसे ही रहता है, वो कभी दोस्ती होती कभी उनके जो है दोस्ती नहीं रहती है। अब कैसा, हम तो इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, हम उसके साथ नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आपका ग्रुप स्टार्ट हुआ है तो फिर वो आपके ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के किसी के घर पे क्लास होगा और मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 3 महीने है। आपका जो पर्सनल, जो आपकी कभी किसी दोस्ती हो रही कभी नहीं हो रही है, उसको जो है आप इट शुड बी केप्ट असाइड। और जो यहाँ पे जो पढ़ाई की बात हो रही है, ये एक अलग होगा। इसमें ये नहीं है कि आज को आपका कोई दोस्त है, कल उसके आपने ग्रुप स्टार्ट किया, 3 लोगों का 4 लोगों का 5 लोग तक का है इसमें, 5 कोई दोस्त है एक ही लेवल के है पढ़ाई में, उनका ग्रुप स्टार्ट हो गया और कल को उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में बात नहीं हो रही, तो फिर कहे कि सब जो है हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, हम उसके साथ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो सब नहीं हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। ये है 1-2 few होम ट्यूशन का डिसएडवांटेज भी होता है फिर। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपका ग्रुप ट्यूशन स्टार्ट हो गया, 1-2 few आप उसको 1-1 होम ट्यूशन में कन्वर्ट भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि टूटर स्लॉट लिमिटेड है। एक बार जब स्लॉट हो गया आपका कि यह स्लॉट है आपका और ये टीचर्स आपके स्लॉट में है, तो कम से कम वो 3 महीना वो चलेगा स्लॉट, 3 महीने। इसलिए 3 महीने ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर यहाँ पर एडमिशन है, इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब एडमिशन प्रोसेस, तो प्रोसेस उसकी वही बात है। ट्यूटर अवेलेबिलिटी स्लॉट एंड मंथली सिलेबस कवरेज पॉइंट आर सेम एज इन 1-1 होम ट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो होम ट्यूशन वाला जो यहाँ पे ऑफरिंग है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्लॉट्स, कितने फोन पेरेंट्स के आते हैं इसके कि हमें इतने बजे से इतने बजे के बीच में ट्यूशन पढ़नी है। अब उतने बजे टीचर फ्री नहीं है, या जितने भी टीचर फ्री है, अब ये तो बहुत रात हो जाएगी, देर हो जाएगी, ये बहुत सुबह हो रही है। सुबह बच्चे का स्कूल जो 7 बजे का है, कई पेरेंट्स का है कि 7:30 पे स्कूल लग रहा है बच्चे का, तो सुबह नहीं कर सकते। तो आपका और ट्यूटर का स्लॉट अवेलेबिलिटी, ये मेन इशू यहाँ पर 1-1 और 1-2 few होम ट्यूशन में है कि स्लॉट्स आर लिमिटेड। फिर दूसरी बात ये यहाँ पर है कि मंथली सिलेबस कवरेज, 1-2 few में भी मंथली सिलेबस कवरेज है, उस महीने के जो टॉपिक्स हैं, जब आपका एडमिशन आपका जैसे हो रहा है 3 महीने के लिए, वो अप्रैल मई जून के लिए, अप्रैल के लिए जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको दाखिला लेते वक्त बताया जाएगा कि अप्रैल में आपको ये पढ़ाया जाएगा, मई में आपको ये पढ़ाया जाएगा, जून में आपको ये पढ़ाया जाएगा, और उसी टॉपिक्स के हिसाब से अप्रैल के एंड में आपका टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, मई के आखिर में मॉक टेस्ट, जून के आखिर में मॉक टेस्ट होगा। अगर आप अप्रैल मई जून के जो चैप्टर्स हैं, आप वो चैप्टर्स ना पढ़ के आप पढ़ना चाहते हो जुलाई अगस्त सितंबर के टॉपिक, वो पढ़ा दिए जाएंगे। आप चाहते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टॉपिक पढ़ाने, तो वो आपको अप्रैल मई जून में पढ़ा दिए जाएंगे। अप्रैल मई जून के टॉपिक आपको जो आपका ये आगे का 3 महीने का जो स्लॉट आएगा उसमें करा दिए जाएंगे। लेकिन मिक्सिंग नहीं होगी, टॉपिक वाइज नहीं हो सकता है कि 2 टॉपिक यहाँ से, 2 टॉपिक वहां से, 2 टॉपिक दिसंबर महीने को उठा लिए, 2 टॉपिक जनवरी महीने को उठा लिए, 2 टॉपिक अगस्त को उठा लिए, ये हमें पढ़ाई है अप्रैल मई जून में, नहीं फिर उसमें फिर वो हचपच हो जाएगा, उसका आपको कुछ बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चे को बेनिफिट तब होता है जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है, स्टेप बाय स्टेप की बजाय अगर ये जंप करने की और चेरी पिकिंग की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं होता। अब आगे देखिए, वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी गई है। और अगर आपको 1-1 होम ट्यूशन के एडवांटेजेस समझ में आते हैं और आप वो प्राइसिंग आपके लिए प्रोहिबिटिव हो रहा है, तो 1-2 few होम ट्यूशन आपके लिए है, इसकी प्राइसिंग वैसे भी कॉम्पिटिटिव है और 1-1 होम ट्यूशन के मुकाबले तो इसमें और भी कम हो जाती है। अब देखिए क्या है, यदि बच्चा प्राइमरी क्लास में है तो इसकी प्राइसिंग है 2,000 रुपीज पर मंथ प्लस पर सब्जेक्ट प्लस GST। मिडिल क्लास में है 2,250 एंड 50 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट प्लस GST।
सेकेंडरी क्लासेस में तो 2500 पर मंथ पर सब्जेक्ट प्लस जीएसटी। अच्छा अब इसको ध्यान रखिएगा कि आपका इसमें एडमिशन जो हो रहा है वो 3 महीने का हो रहा है, तो इसमें पर मंथ प्राइसिंग है, लेकिन जो आपका चेक होगा या ड्राफ्ट होगा वो जो 3 महीने के हिसाब से पेबल होगा। मिनिमम ग्रुप साइज इज 3 स्टूडेंट एंड मिनिमम पीरियड फॉर स्टार्टिंग 1 to 3 होम ट्यूशन इज 3 मंथ्स। इसका मतलब हो गया फीस मस्ट बी सबमिटेड ट्राइमेस्टर वाइज एटलीस्ट 1 वीक इन एडवांस टू द स्टार्ट डेट थ्रू अकाउंट पे ही। बाकी सब बातें वही है, बैंक ड्राफ्ट बना के चेक बना के और उसकी रसीद आप ले लीजिए प्रॉपर। तो फीस यहाँ पर ट्राइमेस्टर वाइज है, मान लीजिए कि कोई बच्चा 5th क्लास में है तो 2000 तो पर मंथ हो गई, तो उसको 6000 रुपीज प्लस जीएसटी, ये उसको चेक या ड्राफ्ट के जरिए जब से होना है स्टार्ट होना है उसके 1 सप्ताह पहले, और ऐसे मिनिमम जो होना चाहिए 1 to 3 के लिए वो है 3 विद्यार्थी, 3 दोस्त कोई भी है जो एक ही लेवल के हैं, आस पड़ोस के घर के रहते हैं, आस पास के घर के रहते हैं, या जो है कोई कजिन है किसी का, ब्रदर या सिस्टर या इस तरीके से है, तो वो एक ग्रुप बना सकते हैं। ये हो गया कि 1 to 3 होम ट्यूशन। अब आगे 1 to many क्लासरूम बैच। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ कुशल एडुकेयर सर्विसेज फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेन जो हमारा जो समय जो जिसपे कहना चाहिए जाना जाता है, जिससे जहां से रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं हम लोग, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा क्लासरूम बैच। जैसे पानी का जहाज है, आप समुद्र के किनारे पे खड़े तो दूर से आता हुआ जहाज आपको बाद में देखेगा, वो फ्लैग पहले दिख जाएगा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है 1 to many क्लासरूम बैच। अब देख लीजिए इसमें आगे क्या है। वी एडमिट दो स्टूडेंट्स हु आर हाईली मोटिवेटेड फोकस्ड एंड एंथुजियास्टिक फॉर क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NTSC मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड एंड इन फ्यूचर वॉन्ट टू अपियर इन JEE नीड एंड और KVPY। तो यदि बच्चा ढीला है तो उसके लिए एडवाइस है कि वो जाए पहले होम ट्यूशन में, 1 to 1 कर ले, 1 to 3 कर ले। और जिसका बेसिक्स क्लियर है, देखिए ऐसे से बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में 11th का सिलेबस पढ़ लेते हैं और 11th क्लास में 12th का पढ़ लेते हैं और बाकी 12th में जब आते हैं तो वो रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जो इतना मतलब मेहनती बच्चा है और मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड है, फोकस्ड है, एंथुजियास्टिक है, जो मतलब पहले से ही मोटिवेटेड है, फोकस्ड है और एंथुजियास्टिक, उसको रास्ता हम दिखाएंगे और उसको मेहनत हम कराएंगे। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए। अब जैसे बच्चा 9th 10th में है तो उसको फोकस के लिए हम कहते हैं रखो NTSC पे। NTSC क्वालिफाई करने के बहुत बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो है आपको आगे तक के लिए थ्रू आउट कैरियर आपके नाम के साथ एक टैग ऐड हो गया NTSC स्कॉलर। आप कहीं भी जाते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम ये है, आई एम अ NTSC स्कॉलर। आपको आपको स्कॉलरशिप मिलता है, फेलोशिप मिलता है, PhD लेवल तक वो अलग है, लेकिन स्कॉलरशिप की बात उतनी नहीं है। बात इसमें ये है कि आप जो है वहां पर NTSC स्कॉलर बन गए थ्रू आउट योर लाइफ। प्लस जब आप 9th 10th में NTSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी खुद ब खुद बाकी जो आपके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए और नीट एग्जाम हो गया, KVPY हो गया, उसकी तैयारी तो खुद ब खुद होती जा रही है। तो यही है कि यहाँ पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए क्लासरूम बैच है और उनके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये हमारा। किस तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम है अभी आपको इसमें मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। अदर देन NTSC एंड साइंस एंड मैथ्स ओलंपियाड आवर क्लासरूम प्रोग्राम इज ए फाउंडेशन कोर्स फॉर JEE नीट एंड KVPY। तो हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम है ये आप इसको ऐसा समझिए जिसको कहते हैं फाउंडेशन क्लासेस। 9th 10th ये फाउंडेशन क्लासेस हो गए आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका JEE और नीट और KVPY जो एक दिन में नहीं होता है, जैसा आप अखबार में रिजल्ट पढ़ते हैं कि उस JEE एग्जाम में जो है उन्होंने टॉप किया, किसी के 90% आ रहा है, किसी के 99% आ रहा है, किसी के 100% आ रहा है,
अब ये आप बहुत ही अज्ञानी होंगे यदि आप सोचते हैं कि एक दिन में जादू हो जाता है। कहीं पर भी एक दिन में जादू नहीं होता, करिश्मा नहीं होता है। उसके लिए प्रोसेस है, प्रोसीजर है। प्रोसेस प्रोसीजर ये है कि आप उसको थ्रू सिस्टमेटिक चैनल चलिए, बच्चे को पहले 9th-10th से ही एनटीएससी एग्जाम्स की तैयारी कराइए, उसका फाउंडेशन बनाइए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि √2^5 लिखा हुआ है, अब बच्चे को ये नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कि जो है टेबल्स नहीं आते, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स नहीं आते, क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं आता, लीनियर क्वेश्चन निकालनी नहीं आती। तो वो अचानक से जो है जादू नहीं होता है कि 11th-12th में जो है अचानक से जादू हो जाएगा। वो धीमे धीमे करके बच्चे को बिल्डअप करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि सबसे अच्छा है कि 9th-10th में जब बच्चा है तो 9th-10th में फाउंडेशन कोर्सेज मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है बच्चे को एक एक चीज पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, और उसके अलावा उसको एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं और उसको एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं। एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपका बच्चा एनटीएससी स्कॉलर बन गया, फिर उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिलने लगा, उसे कॉन्सेप्ट जो है जो बेसिक्स फंडामेंटल है वो उसे क्लियर हो गए। अब उसको लेकर जब फिर 11th-12th में उसको धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप जो है करके उसको जब बच्चे को बढ़ाया जाता है तब वो जाके एकदम से जो एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और अगर आप ये सोचें कि हम बच्चे को जो है किसी दूसरे शहर में भेज दें और अचानक से उसका किसी बड़ी उसमें इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दें और अचानक से कोई जादू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। We have to go step by step and build the concepts of the student. और उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है, ये उसका एम है, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम। इसमें और जो डिटेल्स है मैं आपको देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। क्लास स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू 15-20 स्टूडेंट्स। जैसा मैंने कहा ये 1-to-many है, और मेनी मतलब ये नहीं है कि एक क्लास में जो है 100-100 बच्चे अगर कर दिए और टीचर माइक्स पढ़ा रहा है तो वो, और कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। बैच साइज बहुत ही लिमिटेड है, 15-20 बच्चों का ही बैच है। इसीलिए आप देखिए हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियोस आते हैं उसमें भी लिखा रहता है क्लियरली, यदि आपने 1-to-many इस क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट इसलिए हो रहा है कि एक तो ये है कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल चेक किया जा रहा है कि वो इस तरह से कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा मैंने आपको पहले शुरू में भी एक बार बताया है कि बहुत ज्यादा अगर बेसिक्स बच्चे को नहीं आते और वो बेसिक्स ही उसमें मल्टीप्लीकेशन टेबल ही नहीं आता है, उसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तो वो फिर बैच में बैठ के क्या करेगा भाई। वो बैच में बैठ के भी जो है वो फिर हंसी मजाक या नॉन सीरियस एटीट्यूड ही रहेगा उसको, तो उसको बेसिक फंडामेंटल नहीं आते हैं। उसके लिए अच्छा रहेगा कि बच्चे को फिर जो है होम ट्यूशन कराया जाए पहले। इसीलिए यहाँ पर टेस्ट लेकर ही फिर यहाँ पर होता है। और टेस्ट के पीछे एक और कारण ये भी है कि भाई सीट भी लिमिटेड है। अब आगे देखिए, स्टूडेंट्स आर एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन टेस्ट, ये मैं टेस्ट की बात जो बता रहा था, इन विच दे मस्ट स्कोर अ मिनिमम 60% मार्क्स। जो बच्चा 60% मार्क्स टेस्ट में और टेस्ट का पेपर जो मैंने बनाया है उसमें करे 60%, उसको मैं दाखिला देता हूं। उसके मैं बिल्कुल साथ में लग के और सारे टीचर सब साथ में लग के फिर उसको करवाते हैं इस तरीके से कि एनटीएससी एग्जाम निकालना है और फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन जो है फिर करना है उस काम को। ये है उसके पीछे बात। फिर इन एडिशन टू टीचिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चन आज इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी। ये देखिए 3 स्टेप का प्रोसीजर है। पहले बच्चे को एनसीईआरटी की इसकी स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कराए जाए, और फिर उसके बाद जो है उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस कराए जाए जो कि एनटीएससी और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से पूछे जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा इस तरह से। उसके लिए क्लासरूम प्रोग्राम के लिए हमारा जो है जो हमारे टीचर्स होते हैं वो चुस्त और मुस्तैद, मेहनती और कर्मठ, जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी अवेलेबल है वो क्लासरूम बैच में लगाई जाती है। बच्चा चुस्त मुस्तैद, कर्मठ मेहनती।
फोकस्ड, मोटिवेटेड, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन रिजल्ट निकालना है, ये जिसके अंदर बात है उसके लिए है ये क्लासरूम प्रोग्राम हमारा, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। अब आगे देखिए कैसे क्लासेस होंगे कंडक्ट। क्लासेस आर कंडक्टेड 3 days a week, ये तो बात ही है, चाहे होम ट्यूशन में भी वही है और ड्यूरेशन भी वही है 90 मिनट। मंथली मॉक टेस्ट ये भी वही है, होम ट्यूशन में भी ऐसा ही होता है। आर कंडक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ एनटीएससी एग्जाम, यहां पर पैटर्न मतलब जितना टाइम एनटीएससी एग्जाम में उतना है, आपको जिस महीने आपने जितना पढ़ा उसका एनटीएससी पैटर्न के हिसाब से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। टू गिव स्टूडेंट्स प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल एग्जाम। ऑन संडेज द स्टूडेंट आर गिवन प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट फॉर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये मैंने अक्सर इसको एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से स्टूडेंट जो जेईई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लास 9-10 पे या जूनियर क्लासेस में पजल्स वगैरह बहुत सॉल्व करते हैं। पजल्स हो गए जैसे सुडोकू हो गया या और भी इस तरह की बहुत सारी पजल्स हैं, कैन पजल्स आ रही हैं का आजकल बहुत क्रेज है। तो सब जो पजल्स होती हैं इसको सॉल्व करने से क्या होता है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग उनमें बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है और यही फिर आगे चल के उनको इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस, मेडिकल एग्जामिनेशंस, केवीपीवाई और प्लस इन जनरल उनके करियर में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एनटीएससी एग्जाम में अलग से रीजनिंग के क्वेश्चन का टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसकी हम लोग अलग से प्रैक्टिस करवाते हैं संडेज को। संडेज आर रिजर्व फॉर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अच्छा, मंथली सिलेबस कवरेज, लाइक होम ट्यूशन इन क्लासरूम बैचेस वी कवर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू मंथली शेड्यूल। आपका अप्रैल महीने में कितना सिलेबस कवर होना है वो आपका शेड्यूल आपको पता रहेगा दाखिला लेते वक्त ही। मई आपको पता रहेगा कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो शेड्यूल आपके पास रहेगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स टॉपिक्स लिस्टेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ मस्ट बी कंप्लीटेड इन दैट मंथ इटसेल्फ। देखिए मैं फिर बार बार बता दूं कि ये वीडियो जो है टीचर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही खास और बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ का, फॉर ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। देखिए मैं इसको फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स टॉपिक लिस्टेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ मस्ट बी कंप्लीटेड इन दैट मंथ इटसेल्फ। Sometimes it is seen that teachers keep on teaching a particular topic in detail and in the end there is a pressure to complete the remaining syllabus in very less time. मैं मान लिया जाए कि 10 चैप्टर हैं, पहले 2 चैप्टर में टीचर ने इतना डिटेल में उसको पढ़ाने में मस्त हो गया और टीचर उसको इतना ज्यादा पढ़ाता रहा कि आपका जो साल एकेडमिक सेशन उसके बहुत सारे महीने तो पहले 3 चैप्टर में ही जो है टीचर उसको डिटेल में पढ़ा दिया और बाकी जो पूरा सिलेबस है वो आखिर के 2 महीने में करा के जल्दी से सिलेबस खत्म करा दिया, क्योंकि फिर बाद में टाइम कम बचेगा और जो विद्यार्थी है उसका जो एग्जाम है उसकी जो परीक्षा है वो पूरे सिलेबस में से होनी है। इसलिए जो भी टीचर्स को मैं खास तौर पर बता रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने मंथली कैलेंडर का सिस्टम किया हुआ है, जिस महीने जो से चैप्टर लिस्टेड है, जिस महीने जो से टॉपिक लिस्टेड है आप वो कराइए और एनटीएससी एग्जाम के हिसाब से या होम एग्जाम के हिसाब से उसका मॉक टेस्ट होगा बच्चे का। द लेक्चर टाइम इट इज 90 मिनट शुड बी एंटायरली डिवोटेड टू टीचिंग, देन ओनली द मंथली शेड्यूल कैन बी फॉलोड। जो मंथली शेड्यूल मैंने बनाया है इसको ध्यान में रखिए, जो 90 मिनट का टाइम है ये पूरा 90 मिनट्स आप जब टीचिंग पे करेंगे तो जाके वो मंथली शेड्यूल मंथली कैलेंडर फॉलो हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्लास में आप किसी भी टॉपिक को रोचक बनाने, इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में यदि या क्लास का माहौल लाइट करने चक्कर में अगर आप जो कोई क्लास में आपने हंसी मजाक किया है या क्लास में आपने जोक्स कर दिए या आपने क्लास में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है तो आपको मंथली कैलेंडर मंथली शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाएगा।
और फिर आपका सिलेबस पिछड़ जाएगा और पिछड़ और उसके फिर जो है हमारे पास फिर उसके दूसरे फिर तरीके, फिर उसको फिर करना पड़ेगा पूरा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास में आप किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए क्लास में कभी भी कुछ भी हंसी मजाक ऐसा नहीं अलाउड है, नहीं आपको करना है। अगर आपने एक दिन भी जरा सा भी आपने टॉपिक को लाइट करने की कोशिश करी, कोई इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लास से किसी भी तरह का हंसी मजाक मुझे नहीं आना चाहिए। अगर हंसी मजाक हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ है तो उसका मतलब है कि वो मंथली कैलेंडर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो कई बार क्या है कि देखिए टॉपिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं किसी, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आपने कभी कभार कोई बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बता दी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर क्लास में हंसी मजाक हो रहा है या आप बच्चों से इंटरेक्ट करने की वैसे कोशिश कर रहे हैं या कुछ इस बच्चों से जिसको कहना चाहिए रैपो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मंथली कैलेंडर फॉलो नहीं होगा। मंथली कैलेंडर फॉलो नहीं होगा तो फिर उसके फिर दूसरे तरीके हैं, फिर उसको फिर करना पड़ेगा आपको। ये क्लियरली बहुत क्लियर बात है कि हमारा मंथली जो कैलेंडर है वो हम सबने फॉलो करना है। ये स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब मास्टर क्लास में आया, बच्चे हंसी मजाक करने के मूड में है, वो बिना मतलब के ऊल जलूल सवाल कर रहे हैं, क्लास में जो हंसी हो रहा है हंसी मजाक हो रहा है, तो फिर कैसे मंथली कैलेंडर फॉलो होगा। ये बात इसीलिए मैं इस वीडियो में क्लियरली बता रहा हूं कि दिस अप्लाइज टू बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट। दे मस्ट अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टिक टू द मंथली कैलेंडर। दिस टॉपिक लिस्टेड फॉर एन पर्टिकुलर मंथ मस्ट बी कंप्लीटेड एंड द मॉक टेस्ट कंडक्टेड फॉर दोस टॉपिक इन दैट मंथ इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट टू सी दैट मंथली शेड्यूल इज फॉलोड फॉर ईच बैच। टीचर कैसे करा पाएगा टॉपिक मंथ कवर टाइमली सिलेबस कवर कैसे करा पाएगा अगर बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो। अब बच्चे हंसी मजाक के मूड में बैठे हुए हैं या अनरिलेटेड सवाल या अनरेलीवेंट इररिलेवेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं टीचर से। आपको जो भी कुछ डिस्कशन करना है या आपके कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स में आप जानना चाहते हो, क्लास के बाहर आप एक्स्ट्रा टाइम में जाके पूछिए। लेकिन पहले फर्स्ट ये है स्टूडेंट्स टीचर से कोऑपरेट करेंगे और टीचर भी क्लास में किसी भी तरह का हंसी मजाक के एक्स्ट्रा नहीं करेगा, सिर्फ काम की बात करेगा। 90 मिनट्स शुड बी डिवोटेड ओनली टू टीचिंग एंड नथिंग एल्स। एक एक्स्ट्रा बात करने से क्लास में आप समझिए कि कितना 2, 4, 5 मिनट का नुकसान हो रहा है। वो मंथली कैलेंडर फॉलो नहीं हो पाएगा, मंथली सिलेबस कवरेज, और फिर वो टेस्ट नहीं हो पाएगा, और फिर उसके आगे फिर क्या होगा। देखिए इन एक्सट्रीम केसेस वी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, वो तो है ही है। अगर क्लास में हंसी मजाक हो रहा है या जो है जो सिलेबस लिस्टेड है कवर होना वो नहीं हो पा रहा है या बच्चों का टेस्ट टाइम भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर वी हैव टू टेक एक्शन, वो तो है ही है। लेकिन ये एक्शन लेने में जो है वो बात नहीं आती है जितना कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स स्वेच्छा से अपनी तरफ से इस बात को समझें कि नहीं हमें टाइमली सिलेबस कवर करना है और उसका टेस्ट होना है, तो फिर सबको दिक्कत ही नहीं, एक्शन वाली बात ही नहीं है इसमें। नहीं तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर एक्शन लिया ही जाएगा उसमें। अब देखिए आगे, इन सिंपल वर्ड कुशल एडुकेयर सर्विसेज इज फॉर हार्ड वर्कर्स एंड नॉट स्मार्ट वर्कर्स। ये बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि जो है जिसको क्लास में फन और इंटरेस्टिंग मेथड और कार्टून और एनिमेशंस और ये सब जो चाहिए उसके लिए कुछ एडुकेयर सर्विस नहीं है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। जो स्टूडेंट मेहनती है कर्मठ, और खास करके क्लासरूम बैच में, तो मैंने कहा ही है कि यहाँ पर तो क्लासरूम बैच हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें जान लगा देनी है, तो हंसी मजाक और वो सब का तो गुंजाइश ही नहीं है क्लासरूम प्रोग्राम में। ये इट इज अ वेरी वेरी सीरियस अफेयर एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, क्लासरूम प्रोग्राम इज कंसर्न। यहां से तो हमें रिजल्ट निकालना है। इसमें तो बच्चा भी एकदम छटा हुआ और मास्टर भी एकदम छटा हुआ, और पूरे 90 मिनट मेहनत करनी है, 90 मिनट की बात ही नहीं है इसमें तो। चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वो बात है।
तो इसमें तो बिल्कुल भी स्मार्ट वर्कर, कोई ट्रिक बता दीजिए, ट्रिप हमें टिप बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए, याद कैसे कर ले आसानी से, वो सब जो बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं वो बच्चों को मैं क्लासरूम प्रोग्राम में रखता ही नहीं हूँ। और जो मास्टर इस तरह की बात सोचता है कि मैं बच्चों से रेपो बना लूँ, किसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग कर लूँ, हंसी मजाक कर लूँ, जोक्स कर लूँ, उस मास्टर को भी मैं क्लासरूम बेंच में नहीं टिकने देता हूँ। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कोई भी मतलब समझौता गुंजाइश है ही नहीं कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क नहीं करना। अब आगे, एडिशनल फैसिलिटी ऑफ क्लासरूम बैच, एडिशनल फैसिलिटी है इसमें, एडिशनल फैसिलिटी क्या, सारी फैसिलिटी ही इसी, सारी फैसिलिटी है इसमें। क्या है, सेपरेट बजट इज मेंटेन फॉर परचेज ऑफ रेफरेंस एंड रिफ्रेशर बुक डेट मे बी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट, बट एडिशनल बुक्स आर प्रोक्योर्ड ओनली आफ्टर स्टूडेंट हैव एक्वायर्ड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देखो बच्चे, क्लियरली समझ लो, तुम्हें जेईई एग्जाम निकालना है, नीट निकालना है, केवीपीवाई निकालना है, पहले तो ये सोच लो अपने मन में तुम्हें करना है कि नहीं करना है। और यदि तुम्हें करना है तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे कितना कमांड है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में छोटा छोटा दिया रहता है, बहुत डिटेल दिए रहते हैं, जिसको कहते हैं हिडन नगेट्स। उसमें कई बातें ऐसी हैं कि उसको ही अगर ठीक से किया जाए तो वही बहुत है। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तुमने करी नहीं और इधर उधर पुस्तकों के पीछे भागने लग गए तो उससे कुछ नहीं होगा, पहले एनसीईआरटी बुक को ही ठीक से समझो। अब एडिशनल फैसिलिटी की जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इसका अलग से हम लोग बजट रखते हैं। जो बच्चा हमारे पास एक बार एडमिट हो गया क्लासरूम प्रोग्राम में, उसके लिए किसी भी किताब की, पुस्तक की कोई कमी नहीं है। लोकल जैसे मैंने कहा, लखनऊ में ये भी कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, लखनऊ के लिए है ये। बच्चे कोई ले जाके एक दिन अमीनाबाद में खड़ा कर दे मार्केट में कि तुम्हें जो भी किताब चाहिए, जो भी पुस्तक चाहिए, सब खरीद लो। एक दिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट के आके बैठा दिया, जितनी किताब है, जितनी पुस्तक है तुम्हें खरीदनी है, सब खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लो, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स मटेरियल की उस बच्चे के लिए कभी भी कमी नहीं है, अलग से बजट रखा जाता है इसके लिए। जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिटेड है, एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लें, उस पर टेस्ट हो जाए, अच्छा कमांड आ जाए, उसके बाद चाहे लोकल मार्केट हो, अमीनाबाद से पुस्तकें लानी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से सेपरेट बजट है, जितनी पुस्तकें अवेलेबल है सब हम खरीद लें, उसी कोई कमी नहीं है। अब आगे, ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन क्लासरूम बैच आर प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड ए गुड क्वालिटी बैग टू कैरी देयर नोटबुक एंड मटेरियल। ऐसा है बेटा, इसमें होता है टेस्ट, उसमें लाने पड़ते हैं 60% मार्क्स, और उस टेस्ट का पेपर तुम्हें बता दूं, मैं बनाता हूं। मेरे बनाए पेपर में अगर कोई बच्चा 60% मार्क्स लाता है, इसका मतलब है कि मोटिवेटेड है और वो आगे कुछ कर सकता है। नहीं ला पाता है मार्क्स तो फिर वो होम ट्यूशन कर ले। 60% मार्क्स तुम लाते हो तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जैसे ही आपका एडमिशन होता है, आपको सबसे पहले जो आपको फोकस पॉइंट है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपको मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक सेट और एक बैग में आपको मिलेगा। उसका कहने का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट एम है, गोल है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे कमांड, उसके लिए आपको ये दिया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईसीएसई बोर्ड के हैं, दूसरे बोर्ड्स के हैं, स्टेट बोर्ड्स के हैं, लेकिन ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इसके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको पहले दिन ही जब एडमिशन होगा तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दी जाएगी। आप आईसीएसई बोर्ड के हो तो ठीक है, वो आपका टेक्स्ट बुक जो है वो तो है ही है, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे ही आपको जो है इनका बुक्स का सेट मिलेगा बैग में आपको। फिर उसके अलावा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज अवेलेबल एट आवर स्टडी सेंटर फॉर आवर स्टूडेंट। देखिए ऐसा है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस तो बनाते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे मेधावी छात्र भी हैं, जिनके पास जो है उतनी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन्स नहीं है,
और ऐसे ऐसे छात्र भी हैं कि जिनके पास जो है ये घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने यूट्यूब पे वीडियो, हमारे यहाँ कोई है, कोई अच्छा वीडियो है, हमने उसमें अपलोड किया हुआ है, अब बच्चा उसे कैसे देखेगा? बच्चे का जो 1 GB महीने का प्लान है किसी टेलीकॉम कंपनी का जो है, और वो जो है स्लोली वो उसमें चक्का घूम के आ रहा है, बार बार लोडिंग लोडिंग लिख के आ रहा है, वो लोड नहीं हो पा रहा है, और या फिर जब लोड हो रहा है तो उसमें बच्चे का जो 1 GB डेटा प्लान उसने लिया हुआ है, उसका काफी सारा डेटा उसका एक वीडियो देखने में खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अच्छे मेधावी छात्र कई ऐसे होते हैं कि उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो आगे की बात है। और उनके पर ऐसा भी होता है बच्चों के पास कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, या वो इतनी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन नहीं है, या उनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए बच्चा, जैसे मैंने कहा, अगर बच्चा मेहनती है, होशियार है, 60% मार्क्स हमारे टेस्ट में लाता है, और मोटिवेटेड है फोकस है एंट्रेंस टेस्ट में करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करने के लिए, तो उसके लिए ये संसाधनों की कमी नहीं किसी भी तरीके से होने दी जाएगी। तो उसको जो बुक चाहिए बेटा, जो बुक चाहिए तुम खरीद लो, फ्लिपकार्ट से खरीदना है फ्लिपकार्ट से खरीद लो, अमेजोन से खरीदना है अमेजोन से खरीद लो, लोकल मार्केट जाना है अमीनाबाद जाना है वहां से खरीद लो, जहां से जो भी बुक अच्छी मिले, कोई उसके लिए कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमने लिया हुआ है, वाईफाई आपके लिए है, आप अपने जो है आपके पास टैबलेट या कंप्यूटर है या मोबाइल है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है आप यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ पे जो है आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, आप उसको करिए, जितना मर्जी यूट्यूब देखना है, जो चैनल देखना है, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट चीजें, आप उसको एक बार नहीं आप कई बार देखिए। लेकिन हाँ, शर्त बस यही है कि जो है आपको पहले इंसर्टेड टेक्स्ट बुक पढ़ना है, और इसके लिए बच्चे में मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन है तो कमी नहीं होगी किसी भी तरह से फैसिलिटीज की, ये इसके पीछे मैं कहना चाहता हूं। और देखते हैं, वी हैव एलसीडी टीवी इन आवर क्लासरूम विच इज वेरी यूजफुल टू डेमोन्स्ट्रेट डायग्राम्स एंड फिगर्स इन 3D। देखिए, मैं अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का जो बहुत ज्यादा धन्यवाद है इस बात का कि एजुकेशन, मैं आपको बताता हूँ, ये बात होगी पुरानी 89-90 की, 89-90 में जब मैं 8th-9th में था, तो हमारे, मैं सेंट फ्रांसिस में था, तो सेंट फ्रांसिस में उस समय में 89-90 में हमारे क्लासरूम में टीवी था, तो मैं इस चीज को जानता हूँ टीवी की क्या जो है। अच्छा, बाकी अधिकतर स्कूलों में ऐसा नहीं था, और सेंट फ्रांसिस में 9th में भी, जैसे आपको बताऊं, मैं जो डी सेक्शन में जो विद्यार्थी थे वो कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली थे, क्योंकि हमारे डी सेक्शन में थोड़ा सा जो है वो समय बड़ा टीवी था, उस समय में ये एलसीडी एलईडी नहीं हुआ करते थे, पुराने वाले टीवी होते थे, लेकिन सेंट फ्रांसिस में हर एक क्लास में टीवी था। अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं पर्सनली, उसमें हम लोगों के स्कूल में क्या सिस्टम किया हुआ था कि हर एक सेक्शन के बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे, और अलग से सरदार जी आते थे, वो उसको रिकॉर्ड करते थे, और फिर वो टीवी में सबको दिखाया जाता था, उसका अलग से बकायदा टाइम होता था, पीरियड होता था, फिक्स किया गया था। तो वही सिस्टम मैंने हमारे यहाँ पर भी किया हुआ है कुशल एडुकेयर सर्विसेज में, कि हमारे, हमने एक एलसीडी लगाया हुआ है। हमारे एलसीडी का यूज कैसे होता है कि हमारे एलसीडी में ये है कि जैसे डायग्राम बताना है, तो डायग्राम से वो 3D में ज्यादा अच्छी तरह से बच्चों को क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंडे की हम बात करें, अगर हम उसका सेक्शन कट कर दें ऐसे करके, अंडे को लेकर उसका सेक्शन आप कट कर दीजिए, अब आप उसको जब पुस्तक में कागज पर चित्र बनेगा तो आपको लगेगा ये अंडा बॉइल्ड, अंडे की बात है, अंडा लेके बॉइल कर लिया, उसका सेक्शन कट करके अब उसका चित्र बना रहे हैं, तो कैसे कागज से बनेगा कि जो एक अंदर एक पीले रंग का एक आपको गोला दिखेगा, उसके बाहर एक आपको एक अंडाकार जो सफेद रंग का दिखेगा, दिखेगा शेप, लेकिन बेसिकली वो 3D में आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये वास्तव में ये किस आकार की बात हो रही है। तो डायग्राम वगैरह जैसे हम लोग इसमें कोशिका का, सेल का स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करते हैं बायो में खास करके, तो उसमें ये रहता है कि जब बच्चा उसको 3D में देखता है,
तो उसको ज्यादा क्लियर होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाक्चुअली में कैसा है, वाकई में कैसा दिखता है, क्लोरोप्लास्ट वाकई में कैसे दिखता है। तो 3D में जो है, जब आप किसी चीज को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, तो वो क्लियर होता है। उसके अलावा जैसे मैथ्स मेंसुरेशन वगैरह कर रहे हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो 3 डायमेंशनल जो फिगर्स है, उसके लिए जो है यहाँ पर टीवी एक अवेलेबल है, एलसीडी टीवी एक अवेलेबल है यहाँ पर, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी अवेलेबल है। तो उसे आप 3D आप क्लास में टीचर्स के लिए मैं कह दूं दिखा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, हर एक चीज के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे पहले है कि आपको मंथली टेक्स्ट बुक, ये मंथली जो सिलेबस है वो कवर कराना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। अब ये नहीं है कि आपने टीवी में आके प्रोग्राम लगा दिया, कोई उसमें चैनल लगा दिया और जो है बच्चे उसको देखें और आप कुर्सी पर बैठे। नो, ऐसा नहीं है। आपको मंथली कवरेज कराना है सिलेबस का, टेक्स्ट बुक का, जो आपका सिलेबस कवर हो मॉक टेस्ट हो, उसके बाद आप उसको जो है मुझे आप दिखा दें कि भाई ऐसा है सर, मैं ये डायग्राम जो उसको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए संडे को या कभी अलग से आप टाइम लेकर या कुछ टाइम अलग से करके उसमें आप वो दिखाइए। लेकिन ये है कि अगर आप सोचें कि आपने टीवी लगा दिया, बच्चे टीवी में कोई चीज चल रही है, वो बच्चे देख रहे हैं, तो और बच्चे भी अपने आप से वो करके देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि आप लेक्चर प्रिपेयर करिए, कहाँ पर आप कौन सा 3D डायग्राम दिखाना चाहते हैं आप वो डाउनलोड कर लीजिए और उसका एक अलग से लेक्चर बना लीजिए कि ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का मैं लेक्चर टीवी पर दिखाना चाहता हूँ, इसमें ये 3D डायग्राम मैं डिस्कस करूंगा और इसमें ये जो है फिगर्स मैं 3D में डिस्कस करूंगा। उसके लिए अलग से कोई टाइम फिक्स कर लीजिए और बच्चों को सूटेबल हो, सब बच्चे आ पाए उस समय, क्योंकि आपको बता दूं संडे को यहाँ पे टेस्ट होता है, संडे को रीजनिंग और टेस्ट कर रहा हूँ, रीजनिंग और इसकी क्लासेस हैं अभी मैं बताऊंगा इसमें, तो टाइम उस पर डिसाइड करके फिर आप उसको करिए। लेकिन हाँ, ये मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि 3D फिगर, 3D डायग्राम आप दिखाएं, तो आप उसको यदि आप क्लास में दिखाना चाहते हैं तो आप क्लास में वही बातें कुल मिला के कि मंथली जो सिलेबस कवरेज है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये इस तरीके से है। अब आगे देखिए, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स NTSC मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड KVPY JEE नीट एटसेट्रा लाइक एग्जाम फी प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा विल बी स्पॉन्सर्ड बाय कुशल एडुकेयर सर्विसेज। कंप्यूटर एंड प्रिंटर ऑफ कुशल एडुकेयर सर्विसेज मे बी यूज्ड टू फिल ऑनलाइन फॉर्म्स एंड प्रिंट एडमिट कार्ड। जिस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपियर होना है, चाहे वो JEE है, KVPY है, नीट है, उसकी जो एग्जामिनेशन फीस लगती है वो कुशल एडुकेयर सर्विसेज जो है वो फीस भरेगा। जब एग्जाम आपका NTSC का एग्जाम है, आपका JEE का है, आपका KVPY का है, आपका नीट का है, आपका ओलंपियाड का है, आपको जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अपियर होना है, सबकी फीस कुशल एडुकेयर सर्विसेज भरेगा। एक दिन आपको बता दिया जाएगा कि भाई अब इस दिन आपको सब लोग फॉर्म भरे जाएंगे, सबके आप लोग आइए, अपने जो रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है या कई बार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगी जाती है, आपको लेकर आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर है उसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा, फीस अभी कुछ एडुके सर्विसेज से ही पेमेंट होता जाएगा, या कहीं पर ड्राफ्ट बनाना है तो फिर उसके लिए उस हिसाब से करके ड्राफ्ट के लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो भी कुछ होते हैं, बैंक चार्जेस, सारा पैसा कुछ एडुके सर्विसेज वाले देंगे, मैं दूंगा, मतलब कुछ एडुके सर्विस देगा, और आपके फॉर्म पर के एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट यहाँ के प्रिंटर से निकल के आपको देगा। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह की कि आपको बुक्स की प्रॉब्लम हो, आपको मोबाइल फोन की प्रॉब्लम है, आपको ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम है, या आपको एग्जामिनेशन फी आपको की कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। अब आगे, वन वे होम ड्रॉप फैसिलिटी स्पेशली फॉर स्टूडेंट रिजाइडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर और मोर फ्रॉम द स्टडी सेंटर कैन बी अरेंज्ड आफ्टर क्लास ऑन नॉमिनल एक्स्ट्रा चार्जेस टू कवर फ्यूअल एक्सपेंसेस ओनली एज इट इज अ स्पेशल फैसिलिटी द एग्जैक्ट चार्जेस पेबल विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आफ्टर वी रिसीव अ रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम स्टूडेंट्स पेरेंट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर संडेज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग क्लास।
कोई बच्चा स्टडी सेंटर से दूर रहता है, शाम को रात में क्लास खत्म हुआ, अब वो अपने घर कैसे जाएगा? या तो उसका पेरेंट वहां से यहां पर आए, बच्चा घर कैसे जाएगा? तो उसके लिए ये है, आते वक्त नहीं जाते वक्त, कोई जाते वक्त जो है रात हो जाती है, वन वे होम ड्रॉप फैसिलिटी, यदि खास करके यदि बच्चे का घर दूर है तो उसको घर तक ड्रॉप करने की वन वे फैसिलिटी है। कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अभी एज सच नहीं है, लेकिन बच्चा मोटिवेटेड है, यहां पर एडमिशन लेता है, तो रात में उसको घर पे छोड़ने की एक तरफ की अरेंज की जा सकती है। उसमें यह है कि आपको जो फ्यूल का जो एक्सपेंस लगेगा, जो पेट्रोल का डीजल का आपका जो खर्चा लगेगा, वो आपको साधारण जो खर्चा होगा वो आपको अलग से देना है। ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए आपको अलग, यदि आपको चाहिए, एक बात है कि हमारे कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई फैसिलिटी मतलब इस तरीके से नहीं है कि हमारी अपनी कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस हो या ऐसा कुछ, या मिनी बसेस, ऐसा भी हमारे पास नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा का 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत के लिए मोटिवेटेड है और हमारा दाखिला लेता है और वो रिक्वेस्ट करता है अलग से कि सर हमारे लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवा दीजिए, तो ठीक है, उस बच्चे के लिए उसकी देख लिया जाएगा घर कितनी दूर है। अगर ज्यादा दूर है तो उतना अप्रोक्सीमेटली फ्यूल एक्सपेंस फीस में ऐड करके फ्यूल एक्सपेंस उससे लेके, और फिर हम उसको, हम लोग जो है शाम को रात में क्लासेस जब पूरी हो तो घर पे छोड़वा दिया करेंगे। एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है क्लासरूम प्रोग्राम के लिए। तो ये वाली इसमें इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस एंड स्पेशल डाउट सेशन क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासरूम बैचेस। सारे टीचर्स को मैं बोल दूं कि देखिए, अगर आपको 60% वाला बच्चा है, मोटिवेटेड है, आप अपनी तरफ से जरा भी पीछे मत हटिए मेहनत करने में। बच्चे को एक्स्ट्रा डाउट है क्योंकि जो आपका रेगुलर क्लासेस है वो तो आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में टाइम निकल जाएगा। अब बच्चे का कोई डाउट है, आपका संडे को अगर आप आते हैं, आप मुझे थोड़ा सा आप मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिए, सर ऐसा है मुझे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवा दिया जाएगा। आपने आके थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा दिया, बच्चे का भविष्य बन गया, बच्चे का टॉपिक क्लियर हो गया, बच्चे का उस टॉपिक में से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सही हो जाए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए भी कोई नहीं होगी। अपनी तरफ से भी ये सब काम स्वेच्छा से है और मुझे इसमें बहुत ही, आपको बता दूं कि बहुत मैं आपको खुशी है ये बताऊं मैं आपको कि हमारे जो टीचर्स ने जो इस पे जो इसके पीछे क्वेश्चन एडुकेशन सर्विसेज में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, कई बार मैंने देखा है कि अपनी तरफ से वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं। जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग के समय भी आते हैं तो अपने आप से जो है, मुझे सोशल स्टडीज वाली मैम हो या मैथ्स वाले सर हो, हिंदी वाली मैम हो, ये लोग जो है, या मैथ्स के जो मैम आती हैं, अपनी तरफ से सभी लोग, सर इसको ऐसे बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा, अच्छा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ तो ये रहेगा, मैंने जो आंसर्स में मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके बताऊं। तो ये है कि हम लोगों के यहाँ पर जो सोच है वो ये है कि अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो उससे कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, नहीं हटता है, नहीं हटना है, इसलिए कि हमने जो थोड़ा सा संडे को आके एक्स्ट्रा करा दिया और उसमें से अगर जो है कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए और बच्चे का वो सही हो जाए तो दैट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट फॉर यू एज अ टीचर एंड कुछ एडुकेशन सर्विस एज ए इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स्ट्रा क्लासेस, बच्चा कहीं पर भी कहे कि मुझे ये टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा क्लास है तो उसके लिए कोई भी मना ही नहीं है, मना तो कोई करेगा ही नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी टीचर कभी भी। और बच्चे को मैं कहूंगा वो सीधा के मुझसे कहे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवा दिया जाएगा और स्पेशल डाउट सेशन भी अरेंज करा दिया जाएगा। अच्छा, सिलेबस कवरेज, अब देखिए इसमें कैसे सिलेबस कवरेज होता है। क्लासरूम बैचेस स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड कंटिन्यू टिल जनवरी। The entire syllabus is completed by October so that the students can appear in NTSC exam in November.
अब देख लीजिए मैं क्यों बार बार मंथली कैलेंडर और मंथली कवरेज की बात कर रहा हूँ। नवंबर में बच्चे का एग्जाम होना है, बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, तो आप देखिए कि क्लास में हंसी मजाक का, एंटरटेनमेंट का, थोड़ा सा टॉपिक को लाइट करने का, माहौल लाइट करने का, इंटरेस्टिंग बनाने का, एनिमेशन दिखाने का टीवी में, कार्टून दिखाने का टीवी में, कहाँ टाइम है भाई? टाइम आप जाइए क्लास में, जाते आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, पहले 15 मिनट रिवीजन, 1 घंटा पढ़ाया, लास्ट के 15 मिनट में डाउट क्लियर किया। ये लगातार करते चलिए, अप्रैल से अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कराना है, क्योंकि नवंबर में बच्चे का एनटीएससी एग्जाम होना है। बैच चलेगा टिल जनवरी, अप्रैल टू अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाना है, नवंबर में बच्चा एनटीएससी एग्जाम देगा। फिर रिमेनिंग थ्री मंथ मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब उसमें क्या होगा? उसमें स्टूडेंट्स आर गिवन प्रैक्टिस ऑफ पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका तो मॉक टेस्ट ये होगा। फिर उसके बाद क्या, स्टेज टू ऑफ एनटीएससी, स्टेज टू एनटीएससी एग्जाम स्टेज वन और स्टेज टू में हो रहा है, स्टेज टू की तैयारी स्टार्ट करा दी है, और एडवांस कॉन्सेप्ट्स यूजफुल फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। जो आपने 9th और 10th का सिलेबस है उसी के ही एडवांस कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन क्लासेस ये आपने कराना है। अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने में तो आप कराइए उसको, नवंबर नहीं आएगा, अक्टूबर तक सिलेबस, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसमें आपको एनटीएससी स्टेज टू है, फाउंडेशन कोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेईई, केवीपीवाई, नीट है, और उसके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी है। नेक्स्ट, अब प्राइसिंग इसकी बहुत कॉम्पिटिटिव रखी गई है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, हमने होम ट्यूशन की भी कॉम्पिटिटिव है, चाहे 1-to-1 हो या 1-to-few हो, जितने बेनिफिट्स आपको हैं, और इसमें आपको तो खास करके जितने बेनिफिट्स हैं आपको, बुक्स का, इंटरनेट का, दिस डेट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सारी, क्योंकि इसमें प्राइसिंग के कोई मतलब नहीं है। कौशल एडुकेयर सर्विसेज की तरफ से, कौशल एडुकेयर सर्विसेज की तरफ से क्लासरूम प्रोग्राम का एम है रिजल्ट निकालना, चाहे उसमें इंटरनेट जितना लग जाए, चाहे उसमें बुक्स जितना लग जाए, चाहे उसमें एक्स्ट्रा क्लास जितना लग जाए, चाहे उसमें कुछ भी लग जाए, रिजल्ट निकालना है, बच्चे का भविष्य बनाना है। बच्चे का भविष्य बनेगा तो कौशल एडुकेयर सर्विसेज का भविष्य है, बच्चे के रिजल्ट निकलेगा तो बच्चे का तो भविष्य है ही, पेरेंट्स का, टीचर्स का, कौशल एडुकेयर सर्विसेज का भी भविष्य तभी है जब बच्चे का भविष्य, ये बात है। इसलिए प्राइसिंग इसकी भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स आर एडमिटेड फॉर अ 10 मंथ प्रोग्राम दैट इज अप्रैल टू जनवरी, सो फी फॉर 10 मंथ इज पेबल एटलीस्ट अ वीक इन एडवांस ऑफ द स्टार्ट डेट। अब अप्रैल में बैच स्टार्ट होना है, अप्रैल में किस डेट से स्टार्ट होगा वो एडवर्टीजमेंट आपको एडवर्टाइज किया जाएगा, लेकिन इससे आपको आइडिया रहेगा कि अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसके एक सप्ताह पहले, मतलब ये हो गया कि लगभग 20-22 मार्च तक आपको ये चेक पेमेंट कर देनी है, चेक से या ड्राफ्ट से, उसके पहले आपको टेस्ट में अपियर होना है, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है इसमें फी का पेमेंट कर दीजिए। द फी रिमेन सेम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हो या 10th, उसकी फीस सेम है, सेकेंडरी लेवल पर फीस सेम है, ये कहने का मतलब है। फी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, ₹600 पर मंथ पर सब्जेक्ट प्लस जीएसटी, तो फीस की बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी गई है, ₹600 के हिसाब से पर सब्जेक्ट पर मंथ के हिसाब से फी कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो आपका एनटीएससी जो एग्जाम होगा तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपका मैथ्स की क्लास होगी, साइंस की होगी, सोशल स्टडीज की होगी, तो आपका 3 सब्जेक्ट की फीस लगेगी। फी पेबल फॉर संडेज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग क्लासेस नील, जो आपकी, मैं आपको शुरुआत में जैसा कह रहा था, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की जो क्लास होती है संडे को, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, ये भी किसी में एडिशनल एडवांटेज है। सो वी चार्ज फीस फॉर ओनली 3 सब्जेक्ट, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस,
तीन सब्जेक्ट की आपको फीस है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का की क्लास आपको संडे को होगी, उसका कुछ पैसा आपको नहीं देना है, वो फ्री में रहती है। आपका मेंटल एबिलिटी फ्री हो गया, इंटरनेट यहाँ पर फ्री हो गया, बुक्स आपकी फ्री हो गई, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी फ्री हो गई, वन वे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके होम ड्रॉप फैसिलिटी हो गई, ऑन ऑर्डिनरी पेमेंट ऑफ जो पेट्रोल का लगेगा डीजल का लगेगा वो आपको देना है। इतनी इसमें सुविधाएं हैं आपको, सबके लिए नहीं है ये, जो मोटिवेटेड है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसके लिए। अब आगे क्लास शेड्यूल क्या है, क्लास नाइन का जो स्टूडेंट है, क्लास नाइन का जो बैच बनेगा उसकी क्लास चलेगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, संडे को फिर उसका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला क्लास होगा, और जो क्लास टेन का स्टूडेंट है उसकी क्लास चलेगी 4 डेज अ वीक, तीन दिन क्लास होगी, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, संडे को मेंटल एबिलिटी क्लास होगी, उसकी रीजनिंग की क्लास होगी, नाइन्थ क्लास की भी और टेंथ क्लास की भी, संडे को रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी। अब देखिए भाई एक बात बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पे बता दूं मोबाइल फोन के बारे में, ड्यूरिंग क्लास मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोथ फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। मोबाइल फोन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ एंड केप्ट इन बैग, एंड द बैग्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विल बी केप्ट आउटसाइड द क्लासरूम। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एडवाइज्ड टू चेक देयर लेवल ऑफ मोबाइल एडिक्शन and should take a decision of joining Kushal Educare Services only if they can live without mobile phones for at least 90 minutes at a stretch, which is the duration of one lecture. चाहे विद्यार्थी है या अध्यापक है, पहले देख लो कि 90 मिनट तक बिना मोबाइल फोन के ठीक से सांस आती है कि नहीं आती। जिसका मोबाइल का एडिक्शन इतना लेवल का हो कि वो 90 मिनट्स नहीं रह सकता तो वो कुशल एडुकेयर सर्विसेज ना ज्वाइन करे। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है भाई, 90 मिनट का क्लास है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, बिना मोबाइल फोन के रहना पड़ेगा, और मोबाइल फोन साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ करके वो बस्ते में रखना है, और सभी स्टूडेंट्स का और टीचर का जो बैग है वो बस्ता क्लास के बाहर रखा होगा, तो 90 मिनट मोबाइल फोन के बिना रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे ड्यूरिंग ब्रेक टाइम इन बिटवीन द लेक्चर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन यूज मोबाइल फोन, बट द क्लियर मैसेज इज दैट इफ द अर्ज टू यूज मोबाइल फोन इज सो स्ट्रॉन्ग that one feels the urgent need to rush for mobile phone within a minute of lecture time getting over and continue using it till last 1 second before the next lecture starts, you are advised to better not join Kushal Educare Services and continue living happily with your mobile phone. In extreme cases, we take appropriate action. Break में मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन जो है वो आप एक में देख लीजिए कि जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वैसे अगर आपको लगता है कि हम दौड़ पड़े और दौड़ के 1 सेकंड के अंदर ही हमें मोबाइल फोन जल्दी से वो स्विच ऑन करना है, और जब तक बेल नहीं हो रही नेक्स्ट क्लास की तब तक मोबाइल फोन से चिपके रहना है, इतनी आपकी सांस उखड़ने को अगर होने लग जाती बिना मोबाइल फोन के, तो फिर कुशल एडुकेयर सर्विसेज आपके लिए नहीं है, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है। ब्रेक में आप यूज कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ब्रेक तो 10-15 मिनट का, अभी बताऊंगा आपको उसमें टाइम टेबल। मोबाइल फोन वगैरह क्लासरूम बैच के लिए नहीं है, क्लासरूम बैच इज फॉर हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर है, जो मोटिवेटेड है जिसको कि रिजल्ट निकालना है और मोटिवेशन है जिसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है ड्यूरिंग द क्लास स्ट्रिक्टली। इन बिटवीन टाइम आप यूज कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए एडिक्टेड आपको नहीं होना है, और मोबाइल फोन आपका स्विच ऑफ करके बैग में रखना है, और बैग क्लास के बाहर रहेगा आपका, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, सबके लिए। टाइमिंग्स क्या है, ऑन रेगुलर डे स्टूडेंट शुड रिपोर्ट 30 मिनट्स बिफोर क्लास टाइमिंग्स to clarify their doubt and deposit their mobile phones. तो भाई आधे घंटे पहले आइए
सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए है ये, तब तो अपने डाउट पूछ पाओगे, 4 बजे से तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, फिर कब डाउट पूछोगे। अच्छा और उधर की तरफ आगे रेगुलर वीकडे क्लासेस 4 to 9, भाई 4 बजे क्लास स्टार्ट हुआ, 9 बजे तक चलेगा तो 9 बजे तो फिर रात हो जाएगी, छुट्टी का टाइम हो जाएगा। डाउट पूछने के लिए क्या हुआ कि बीच में जो ब्रेक टाइम मिला वो, नहीं तो इधर आओ तुम। यही है स्टूडेंट्स के लिए कि वो आधे घंटे पहले आएंगे, 3:30 बजे आइए, और फिर आपको मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना है, बैग में रखना है, बैग रैक रहेगा यहाँ पर उस पर रखना है, तो इसलिए आपको क्या है कि आधे घंटे पहले आना है, मतलब 3:30 बजे आइए स्टूडेंट्स, और 4 से 9 फिर क्लास चलेगा। अब आगे टाइम टेबल क्या है रेगुलर वीकडे क्लास का, भाई 4 से 5:30 90 मिनट की क्लास है, पहला लेक्चर होगा। अब चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो या सोशल साइंस का, जनरली साइंस का लास्ट में ही होगा, मैथ्स या सोशल साइंस में से कोई एक लगेगा लेक्चर वन। अब वो देखना पड़ेगा कि टीचर के हिसाब से 5:45 से 7:15, ये 5:30 से 5:45 आपकी 15 मिनट का ब्रेक हो गया, बीच में आपको कहीं अगर वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, कोई डाउट है, तो 15 मिनट का वो ब्रेक हो गया। ये 6:45 से 7:15 आपकी क्लास होगी लेक्चर टू, और 7:30 से 9 आपकी क्लास होगी लेक्चर थ्री। ऑन रेगुलर डेज दैट इज मंडे टू सैटरडे फॉर टीचर्स हैंडलिंग क्लासरूम बैचेस रिपोर्टिंग टाइम एट द स्टडी सेंटर शैल बी 3:30 PM। वो बच्चों के लिए है तो टीचर्स को तो भाई है ही, ऑब्वियसली 3:30 बजे रिपोर्ट करना है, बायोमेट्रिक में अटेंडेंस आपकी 3:30 बजे के पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे से तो बच्चे आने लगेंगे डाउट के लिए। तो टीचर को बायोमेट्रिक पे अपनी अटेंडेंस दर्ज कर लिए, फिंगरप्रिंट देना है 3:30 बजे के पहले, 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो गया टीचर्स का, तभी तो बच्चों के डाउट क्लियर होंगे। सॉरी आप देखिए संडे की रीजनिंग क्लास या मेंटल एबिलिटी क्लास कैसे होती है। क्लास 9 का बच्चा 4 बजे आएगा, 4 से 4:30 बजे उसको जो है इंट्रोडक्शन टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। रीजनिंग क्वेश्चन अलग अलग तरह के होते हैं ना, आधे घंटे आपको लेक्चर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब वो क्लासिफिकेशन का है, जंबल्ड ऑर्डर है, या जो है और किसी तरह के क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए आपको आधे घंटे ट्रिक्स टिप्स बताई जाएंगी इसको कैसे करते हैं। अब 4:30 से 5 प्रैक्टिस सेशन हो गया आपका, भाई जो उसी टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चंस का, आपको क्वेश्चंस दे दिए, प्रिंट आउट दे दिए क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करिए सब बच्चे क्लास में। फिर 5 से 5:30 इस पे डिस्कशन होगा, जो आपको क्वेश्चन दिए गए एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे कराया जाएगा, देखो इसको ऐसे करते हैं, ये करना था इस तरीके से, ये क्वेश्चन करना था, आप उस अपना चेक करते रहिए। फिर 5:30 से अब हो गया 6:45, पहले आपको आधे घंटे का टाइम था, अब आपका टाइम यहाँ पर कम कर दिया गया। फिर से आपको जो है पेपर्स दिए जाएंगे, इसमें इसमें कुछ और नए क्वेश्चंस होंगे, उसी ट्रिक से होने वाले कुछ नए क्वेश्चन। ये हो गया आपका स्पीड बिल्डर टेस्ट, वो टाइम कम कर दिया गया, 15 मिनट कर दिया गया आपका। और 5:45 से 6 जो क्वेश्चंस आपको दिए गए स्पीड बिल्डर टेस्ट में, उसके ऊपर डिस्कशन कर दिया गया, 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो क्लास 9 का जो बच्चा है वो 4 से 6 ये आएगा, संडे को एडिशनल क्लास है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाली क्लास है, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए है, और ये आगे चल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। क्लास 10th के बच्चे के लिए वही है, टाइम चेंज हो जाएगा, 6 बजे 9th के बच्चे की छुट्टी होगी, 10th वालों की क्लास स्टार्ट होगी 6:15 बजे, इनकी क्लास चलेगी 6:15 से 7:15 बजे तक, वही 2 घंटे है, 6:15 से 6:45 इनको बताया जाएगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक, 6:45 से 7:15 इनको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 7:15 से 7:45 डिस्कशन होगा, 7:45 से 8 इनका स्पीड बिल्डर टेस्ट होगा, और 8 से 8:15 स्पीड बिल्डर टेस्ट पे इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब देखिए कुछ अदर डिटेल्स, हमारा स्टडी सेंटर लोकेटेड कहाँ है, यदि आपको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो क्लासेस होंगे कहाँ पर, ये लखनऊ में है, लखनऊ में कहाँ पर है, तो पता देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये है पता A44 कुरमांचल नगर लखनऊ, यदि आप पिन कोड सर्च करेंगे पिन कोड इसका 22206016। अब
कुर्मांचल अगर है कहाँ पर, देखिए गूगल मैप खोल के आपको कुछ नियर बाय लोकेलिटीज में यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप गूगल मैप सर्च करेंगे, मैप ये एड्रेस ही डालिए, कुर्मांचल नगर ही डालिए, तो आपको आसपास के जो इलाके हैं इसके, मानस विहार, शक्ति नगर, लिबर्टी कॉलोनी, सर्वोदय नगर, ये इसके आसपास की लोकेलिटीज हैं। आप यहाँ पर बच्चे को एडमिशन टेस्ट दिलाने लाना चाहते हैं, एडमिशन फॉर्म वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले इस पर जो है गूगल मैप पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये कॉलोनीज आपको दिखाई पड़ेंगी आसपास के इलाके। आप गूगल मैप पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके आगे लैंडमार्क्स विच यू कैन इजिली सी ऑन गूगल मैप, जो कुर्मांचल नगर के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जैसे एक तो कई जगह लिखा रहता है रामलीला मैदान, विंध्यवासिनी गेस्ट हाउस एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, मोहन आटा चक्की, कुकरेल फ्लाईओवर या कुकरेल ब्रिज भी लिखा रहता है कई बार, कुकरेल बांध लिखा है ये, या कुकरेल बंधा भी जिसको बोलते हैं। कुकरेल को आप देखिए तो गूगल मैप पे कुकरेल रिवर करके लिखा रहता है, कुकरेल रिवर पे ये जो ब्रिज है कुकरेल फ्लाईओवर, उसको पार करते ही जैसे आप आएंगे टूवर्ड सर्वोदय नगर, लिबर्टी कॉलोनी, शक्ति नगर, आपको कुर्मांचल नगर आप एंटर करेंगे, निकट शिव मंदिर, आरएलबी स्कूल, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल, सर्वोदय नगर ब्रांच, ये सब इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इस एड्रेस के आसपास के जगह हैं, ये इसके आसपास की लोकेलिटीज हैं। एक बार आप आने के पहले गूगल मैप पर सर्च कर लेंगे, आपको बहुत आसानी होगी, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर इसके आपको थोड़ा सा मैं नेबरिंग कुछ और लोकेलिटीज के बारे में बताऊं, तो ये आपका हो गया 35 बटालियन पीएसी हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर पास में ही, और दूसरी तरफ अगर आप चलेंगे तो ये डंडैया के सब्जी मार्केट और ये डंडैया मार्केट है, और एक तरफ फैजाबाद रोड है, और इसके दूसरी तरफ जो है इंदिरा नगर का ये ए ब्लॉक शुरू हो जाता है। बाकी मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर लोकेलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, सब बता दिया। आप आने के पहले एक बार गूगल मैप पर सर्च कर लेंगे, वेरी इजिली यू कैन रीच, और एग्जैक्ट एड्रेस जहां पर स्टडी सेंटर है A44 कुर्मांचल नगर। अब देखिए एडमिशन फॉर्म्स कब से मिलेंगे इसके, एडमिशन फॉर्म्स फॉर ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज मतलब हो गया कि 1-to-1 होम ट्यूशंस, 1-to-few होम ट्यूशन और क्लासरूम प्रोग्राम्स, ये मिलेंगे मार्च में। मार्च मतलब हो गया कि मार्च के फर्स्ट वीक से मिलने लग जाएंगे, यही स्टडी सेंटर पर ही मिलेंगे, मिलने लग जाएंगे मतलब कहां पर मिलने लग जाएंगे, स्टडी सेंटर पे मिलने लग जाएंगे, या जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वहां से। आपको मैंने डिटेल में सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, फिर भी यदि आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, ये फोन नंबर हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो पर भी आता है, 9149758666 ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें एक अलग से सेक्शन अनाउंसमेंट, क्लिक बेल नोटिफिकेशन एंड चेक द अनाउंसमेंट सेक्शन फॉर मोस्ट रीसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग आवर कोर्सेज एंड अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मुझे कई बार कुछ पेरेंट्स ने फोन करके कहा कि कोई कह रहा था, ऐसा सुना मैंने ऐसा अंदाज लगाया, तो सबकी गुंजाइश ही नहीं है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें तो वीडियोस वही अपलोड होंगे जो कि ऑफिशियल है, 100% ऑथेंटिक, तो जानकारी आपके पास वहीं से ही है। आप उसमें बेल नोटिफिकेशन आप उस पर क्लिक करिए, आपके पास तुरंत जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। फिर भी यदि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नंबर है, फोन नंबर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि कई बार क्या होता है कि फोन को अटेंड करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या है कि वहां पर ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके अलावा वहां पर आप जो है बेल नोटिफिकेशन है उसको आप क्लिक करिए, फिर उसके अलावा यह है कि आपको जो है कोई कमेंट सेक्शन है आप उसमें आप कमेंट्स में डाल दीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। और इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो नो डाउट, वो फोन तो फोन के लिए के पर्पस से ही है, आपको कोई डाउट होता है इस सब के बावजूद भी अगर कोई होता है
तो जो है आप मुझे फोन पे का आप कॉन्टेक्ट करिए। तो ये इस तरीके से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पर हमारे डिटेल्स ऑफ प्राइसिंग के बारे में, मेरे ख्याल से सारे डिटेल्स और फीचर्स ऑफ प्राइसिंग बारे में आपको पता चल गया होगा। सारे ही कोर्सेज मार्च से अवेलेबल है। मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा, आप यहाँ पर स्टडी सेंटर से फॉर्म्स आप ले सकते हैं। और भी यदि आपको कोई डिटेल चाहिए या कोई इंक्वायरी होती है, आप मुझे फोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। मार्च फर्स्ट वीक से एडमिशन विल बी ओपन फॉर दिस अपकमिंग एकेडमिक सेशन। थैंक यू।